नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने आज एक बड़ी जीत की तरफ कदम बढ़ा लिया है। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने एक बड़ी जीत की तरफ आज कदम बढ़ा लिया है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने जब जम्मू कश्मीर में अपनी पहली सभा की थी चुनाव से पहले, तभी ऐलान किया था कि जम्मू कश्मीर को उसके राज्य का, पूर्ण राज्य का दर्जा हम वापस दिलाएंगे, और राहुल ने यह वादा अपनी लगभग हर सभा में किया। सुनिए आप भी कि राहुल गांधी किस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा करते थे उस वक्त, और ये बात इसलिए आज अचानक यहां कह रहा हूं, चुनाव जम्मू कश्मीर के हो चुके हैं, हरियाणा का चुनाव बीत चुका और अब महाराष्ट्र और झारखंड की तरफ हम बढ़ेंगे और वहां पर क्या कुछ होगा उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन उस बीच आज मैं जम्मू कश्मीर और उसमें भी राहुल गांधी के भाषण की चर्चा क्यों कर रहा हूं। पहले ये सुन लीजिए, ये भाषण का एक छोटा सा पार्ट सुनिए। हमारे मैनिफेस्टो में हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी आपको स्टेटहुड वापस मिले, आपके, आपका जो हक है वो आपको वापस मिले, कि 1,00,000 सरकारी रोजगार हम आपको भर के दिलवा देंगे जो आज खाली पड़े हैं। 3,500 रुपए हर महीना अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इंडिया गठबंधन की सरकार आपको देने जा रही है। महिलाओं के लिए 3,000 रुपए हर महीने और 5,00,000 रुपए का लोन जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल है उनके लिए। हर तहसील में मोबाइल क्लिनिक और हर डिस्ट्रिक्ट में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने का काम हम करने जा रहे हैं, और जैसे हमने राजस्थान में हेल्थ इंश्योरेंस का स्कीम दिया था, वैसे ही हम यहाँ पे 25,00,000 रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस आपको देने जा रहे हैं। हर परिवार को 11 किलो चावल हमारी सरकार देने जा रही है। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी, आप मुझे ऑर्डर दो, हुक्म दो, मैं आपके लिए करने को तैयार हूँ। तो ये चुनावी सभाओं के दौरान और अपनी बात यहां राहुल गांधी, और सबसे पहली बात इनकी यही थी कि पूर्ण राज्य का दर्जा हम दिलाएंगे, ये बात यहां राहुल गांधी कहते हुए अभी आप सुन रहे थे। अब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है, ये कहें कि इंडिया गठबंधन है इसलिए क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के इस गठबंधन को आम आदमी पार्टी ने समर्थन दे दिया अपने एक विधायक के साथ। इस गठबंधन को ऑलरेडी CPM का समर्थन है, यानी वाम दल का समर्थन है, और इस गठबंधन को महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP का भी समर्थन है, और इस गठबंधन को जीत मिल गई। आप जानते हैं उमर अब्दुल्ला CM बन गए और कांग्रेस फिलहाल सरकार में शामिल नहीं हुई, लेकिन उसका जो वादा था वो आज पूरा हुआ है। उमर अब्दुल्ला के कैबिनेट ने आज जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, और इस पर LG ने, यह मंजूरी कल दी थी और उस पर आज LG यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर की मुहर भी लग गई है। तो ये, और अब फिर से BJP पर यह जिम्मा आ गया है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को उसका हक वापस करे, यानी अब सब कुछ BJP और केंद्र के ऊपर है, केंद्र की जो सरकार है उसके ऊपर है। यह काम जब भी होगा तब इसमें राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला, इन सब के नाम को याद किया जाएगा। वैसे राहुल लोगों के हक और संविधान की रक्षा की जो बातें लोकसभा चुनावों के पहले से करते आ रहे हैं, उन्हें अब भी हर राज्य में दोहरा रहे हैं, और इससे BJP की बेचैनी बढ़ रही है क्योंकि चुनावी हार जीत से परे राहुल गांधी लोगों की बात कर रहे हैं। और आज राहुल गांधी झारखंड में भी थे और झारखंड गए थे और वहां अभी भी हैं जब इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, और झारखंड में राहुल ने संविधान बचाने की बात करते हुए आदिवासियों के हक की बात कही है। आइए जरा सुन लेते हैं संविधान की बात, आदिवासियों के हक की बात राहुल गांधी झारखंड में चुनाव से पहले क्यों कर रहे हैं, सुनिए। और फिर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं पिछड़ों का सम्मान करूंगा, दलितों का सम्मान करूंगा, आदिवासियों का सम्मान करूंगा, और फिर आपके हाथ से आपकी शक्ति छीन लेते हैं। सम्मान आपको देते हैं और पावर आपसे छीनते हैं। सम्मान आपको देते हैं और आपको हिंदुस्तान की संस्थाओं से बाहर निकाल देते हैं। सम्मान आपको देते हैं और फिर इसको,
तो सुन रहे थे आप, और वो संविधान दिखा रहे हैं, संविधान की कॉपी दिखा रहे हैं राहुल गांधी। आपको बता दूं कि आज झारखंड में राहुल ने हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और सीपीआई माले के बीच सीट शेयरिंग तय हो गई है। इधर यह कहा जा रहा है कि 70 सीटों पर कांग्रेस और जेएमएम साथ साथ लड़ेंगे और बाकी जो सीटें हैं 11 सीटें, 81 में से बचती हुई 11 सीटें, उस पर बाकी दल लड़ेंगे और यह गठबंधन आगे इसी तरह बढ़ेगा। इधर महाराष्ट्र में अखिलेश यादव ने बीजेपी को परेशान कर दिया है दोस्तों। अखिलेश ने महाराष्ट्र की जनता को इंडिया गठबंधन के इरादे और बीजेपी की नीयत दोनों के बारे में अपने तरीके से बताया है। आइए जरा सुन लीजिए अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव ने कैसे घेरा है अलग अलग। कल भी दो सभाएं की थी अखिलेश यादव ने वहां महाराष्ट्र में, आज भी दो सभाएं, और इन सभाओं के बीच अखिलेश यादव ने क्या कहा है ये सुन लीजिए जरा। बीजेपी को हरा लें और बीजेपी को हराने के, इसलिए बीजेपी को हराना जरूरी है क्योंकि हमारे देश की जो संस्कृति है वो मिली जुली संस्कृति है। हमने सबको अपनाया है, उन्होंने हमें अपनाया है। जो लोग यहाँ आए, उस भारत भूमि पर जो लोग आए उन्हें अपना लिया। सर दुनिया और मालेगांव ये जो जगह है महाराष्ट्र, इसी से नारा दिया था क्विट इंडिया। इसी महाराष्ट्र ने बाल गंगाधर तिलक जी ने गांधी जी को बुला करके देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। तो महाराष्ट्र का संदेश देश की राजनीति को बदलने वाला संदेश होगा। ये महाराष्ट्र का ऐतिहासिक चुनाव है और हमारे यहाँ पर प्रत्याशी इर्शाद भाई है। सर ओबीसी के जनगणना के बारे में विरोधी पक्ष ने, सर ओबीसी। तो इधर झारखंड में राहुल गांधी, तो उधर महाराष्ट्र में अखिलेश यादव। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए महाराष्ट्र चुनाव में सक्रिय हो गए हैं। वहीं महाविकास आघाड़ी के नेताओं के बीच अब सीट शेयरिंग लगभग फाइनल है और सभी का कहना है कि जिन सीटों पर विवाद है उन्हें भी हम हल कर लेंगे, यानी जल्द ही हल कर लिया जाएगा। दरअसल इंडिया गठबंधन इस बार बीजेपी को किसी भी तरह का मौका नहीं देना चाहता है, जैसा मौका बीजेपी हरियाणा में उठा ले गई, और वो किसी भी कमजोरी का फायदा ना उठाए बीजेपी, इसके लिए अब इंडिया गठबंधन यहां तैयार नजर आ रहा है दोनों ही राज्यों में। बल्कि बीजेपी की कमजोरियों को अब इंडिया गठबंधन जनता के बीच ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में क्या बीजेपी झारखंड और महाराष्ट्र में कोई चुनावी उलटफेर कर पाएगी या इंडिया चौकस होकर इस बार संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का काम करेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि गिर जाएगी एनडीए सरकार, आइए जरा सुनते हैं ये बात क्यों कही जा रही है और कौन कह रहा है। सुनिए जरा अखिलेश यादव को। आप यहाँ पर आए हो, क्या कहेंगे महाराष्ट्र? भारतीय जनता पार्टी और महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र की जनता को महादुखी किया है और जो स्मारक और प्रतिमा में घपले घोटाले देखे, यहाँ पर जो मैंने सड़कें देखी हैं, महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार नहीं महाभ्रष्टाचार चल रहा है, इन सब का जवाब इस बार जनता देने जा रही है। और महाराष्ट्र की सरकार, महायुति की सरकार, ये जनता के चुने हुए वोटों से सरकार नहीं बनी है, ये हत्याई सरकार है। दबाव बना के, खोखा दे करके और लोगों को डरा करके सरकार बनी है, लोगों की जांच करके, लोगों को डरा करके, खोखा दे करके ये सरकार इन्होंने बनाई है। महाराष्ट्र की सरकार तो जाएगी जाएगी बीजेपी की, महाराष्ट्र के साथ दिल्ली की सरकार भी नहीं बचेगी, दिल्ली की सरकार भी जाने का काम होगा क्योंकि दिल्ली की भी सरकार पूरे सहयोग और समर्थन वाली सरकार नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र का ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है।
तो महाराष्ट्र की सरकार तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन दिल्ली की सरकार भी नहीं बचेगी, दिल्ली की सरकार भी चली जाएगी, ये बात यहां कह रहे हैं, यानी एनडीए की सरकार गिर जाएगी, ये बात कह रहे हैं अखिलेश यादव। और यहां से ये बात सिर्फ कहने मात्र से या किसी राजनेता ने ऐसा कह दिया और इस पर हम चर्चा करने बैठ जाए, ये बात नहीं है दोस्तों। यहां से कहानी कुछ अलग होती है, कहानी कुछ बनती है, इसलिए यहां चर्चा जरूरी है कि झारखंड से राहुल गांधी की ललकार और उधर महाराष्ट्र से क्यों कह रहे हैं अखिलेश यादव की गिर जाएगी एनडीए सरकार। इन सब की चर्चा करते हैं, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सब से आपका परिचय करवाता हूं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है कि यहां से आप अगर झारखंड जाते हैं या आप महाराष्ट्र जाते हैं तो आपको जम्मू कश्मीर की तरफ देखना होगा। हमारे साथ इस वक्त चार वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, शकील अख्तर जी हैं और प्रोफेसर रविकांत जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी जो अब तक जुड़ चुके हैं या जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, जरा आपसे समझूं, जम्मू कश्मीर अब दो पड़ाव जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य के दर्जा का वो पार कर चुका है, पार कर चुकी है वहां की सरकार कह लें उमर अब्दुल्ला सरकार। कल कैबिनेट में फैसला होता है, पहली बैठक होती है और पहली बैठक में ये फैसला लिया जाता है, कैबिनेट उसको पास कर देती है और उसमें यही कि हमको पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। आज एलजी की मोहर लग जाती है, अब गेंद बीजेपी यानी केंद्र के पाले में। यहां से एक कहानी शुरू जरूर होगी, वो ये होगी कि जो वादा सरकार बनने के बाद करने की बात थी उस वादे पर यहां खरे उतरे। और ऐसे आप देखिए तो बीजेपी के सामने कांग्रेस ऐसी कई चुनौतियां पेश कर चुकी है, जिन जिन राज्यों में कांग्रेस या इनके गठबंधन की सरकार है, चाहे वो आप ले लीजिए तेलंगाना में, चाहे कर्नाटक में, चाहे हिमाचल प्रदेश में, अब जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, ये सब रिसेंटली जो अभी अभी साल भर के अंदर की घटना है उसकी बात कर रहा हूं। और ऐसे में क्या एक भरोसा नहीं बनता महाराष्ट्र के लिए, एक भरोसा नहीं बनता झारखंड के लिए? और राहुल गांधी जब संविधान की बात कर रहे हैं, बड़ी उनके दो तीन और बाइट आने वाले समय में आगे और सुनाऊंगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि आज चुनाव के वक्त राहुल गांधी संविधान की बात करके फिर से उन बातों को याद दिला रहे हैं जो कहानी जिसकी शुरुआत लोकसभा चुनाव से पहले हुई थी। क्या ये चुनाव फिर उस दिशा में जा रहा है जिस दिशा में लोकसभा चुनाव जा चुका था? क्या हम फिर से वहीं से देखें? कैसे देखते हैं आप प्रोफेसर रविकांत जी? राजीव जी, देखिए चुनाव इस लोकसभा के पहले से एक दिशा में जा रहा है। एक दिशा वो है जो विपक्ष चल रहा है और दूसरी दिशा वो है जो मोदी जी चल रहे हैं, और इसको राहुल गांधी ने अपने अंदाज में कहा। वो संविधान की जब बात कर रहे थे आज झारखंड में, तो उन्होंने भारत के संविधान की बात की कि कितनी लंबी परंपरा है, वो उसमें बसवन्ना के भी मूल्य हैं, अंबेडकर के भी हैं, गुरु नानक के हैं, रैदास कबीर, डॉक्टर अंबेडकर, इन सब की उसमें मूल्य समाहित है। और दूसरी तरफ एक ऐसी किताब है जिसकी नुमाइंदगी आज जो सरकार में है बैठे हैं वो लोग कर रहे हैं, उसका नाम है मनुस्मृति। और ये बात राहुल गांधी ने बहुत खुल करके कही कि ये लड़ाई सदियों से चल रही है, मनुस्मृति बनाम वे प्रगतिशील मूल्य, वे मानवीय मूल्य जिन्हें भारत के संविधान में समेटा गया, सैद्धांतिक रूप दिया गया। जो दिशा इस समय लोकसभा चुनाव में बनी थी वो मूल रूप से थी कि इस देश में सामाजिक न्याय की राजनीति किस तरह से आगे बढ़े, दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं, अल्पसंख्यक, उनके अधिकारों की सुरक्षा कैसे हो और उनके अधिकारों को कैसे उन तक पहुंचाया जाए, कैसे व्यवहार में लाया जाए। अधिकार तो है, संविधान तो है, लेकिन क्या वजह है कि जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं, जो नीति नियंता हैं, उन 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी के हैं। और राहुल गांधी ने बड़ा मजेदार बात कही कि
वही लोग हैं जो हलवा बना रहे वही हलवा खा रहे, बाकी 90% लोग केवल हाशिए पर खड़े हैं। अपने अधिकारों के लिए भी संघर्ष इनको करना पड़ रहा है, तो संविधान के सम्मान का ही सिर्फ मामला नहीं है, मसला है संविधान की सुरक्षा करने का, संविधान के सिद्धांतों प्रावधानों को ठीक ढंग से अप्लाई करने का। तो ये जो चुनाव की लड़ाई है, जो दिशा है, वो दरअसल एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलने की बात कर रहे थे, डंके की चोट पर कर रहे थे, कोई छिपा हुआ भी नहीं जी। और उनकी जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की है। आरएसएस जिसका ये 100वां साल चल रहा है, वो तो देश के लोगों ने सबक सिखाया राजीव जी, वरना इस 100वें साल में आरएसएस की मंशा तो वही थी कि हिंदुत्व की विचारधारा और हिंदू राष्ट्र के सपने को पूरा किया जाए, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बदल करके मनुस्मृति के आधार पर संविधान को लिखा जाए और उसके लागू किया जाए। लेकिन इस देश के लोगों ने उनकी मंशा को पूरा नहीं होने दिया। लेकिन लड़ाई यही खत्म नहीं हुई कि लोकसभा चुनाव में खत्म हो गई, ये लड़ाई अभी और आगे जाएगी। वो हरियाणा में भी थी, वो बात अलग है कि हरियाणा में बीजेपी फिर से आई, ये लड़ाई महाराष्ट्र में भी होगी, ये लड़ाई झारखंड में भी होगी और आने वाले चुनावों में भी होगी। जब तक मनुस्मृति के आधार पर सत्ताधारी लोग बेदखल नहीं होंगे, ये लड़ाई चलती रहेगी। और ये लड़ाई तब भी चलेगी जब ये सरकार बदल भी जाएगी और उसके बाद भी उनकी जरूरत पड़ेगी उन मूल्यों को स्थापित करने की। तो ये सतत संघर्ष है और ये तब तक संघर्ष है जब तक संविधान की मूल भावना स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व स्थापित करने की, और ये लंबा संघर्ष है। ये लड़ाई न सिर्फ एक चुनाव में खत्म नहीं हो रही है और इसलिए आने वाले तमाम चुनावों में भी। अब जम्मू कश्मीर का आपने जिक्र किया, जम्मू कश्मीर की लड़ाई क्या है, स्टेट हुड वापस दिलाने की पहली लड़ाई और पहला ही कैबिनेट से प्रस्ताव पारित हुआ और ये गेंद अब बीजेपी के पाले में है। अगर बीजेपी इस प्रस्ताव को पारित कर देती है केंद्र सरकार, तो आप मानिएगा कि वो थोड़ा एक कदम आगे बढ़ रही है जी। लेकिन अगर नहीं करती है तो इसका मतलब है कि मनुस्मृति के आधार पर जो उनके मस्तिष्क में सिद्धांत है और इस देश को चलाने की जो सलाहियत है वो बार बार उनको रोक रही है। वो जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को नहीं बहाल करना चाहते, वो नहीं चाहते कि वहां के लोगों को मानवीय अधिकार, संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो, बहाल हो, वहां के पत्रकार स्वतंत्र होकर के पत्रकारिता कर सके, कोई डर का साया ना हो और हर व्यक्ति का अपने अधिकार के लिए खड़े होने की उसको स्वतंत्रता हो। एजुकेशन से लेकर के और हेल्थ, ये तमाम बुनियादी जो अधिकार है लोगों के, वो लोगों को मुहैया हो जी। उन्हें सेना के डर के साये में, आतंकवाद के डर के साये में नहीं जीना पड़े। ये दोनों ही तरफ से जम्मू कश्मीर के लोग पिस रहे हैं, तो ये नहीं हो, बल्कि एक चुनी हुई सरकार जो इस समय है वो सरकार वहां की नीतियां बनाए और वहां के कार्यक्रम को चलाए। एलजी बैठकर के तय नहीं करें, केंद्र सरकार बैठकर के तय नहीं करे, ये जरूरी जम्मू कश्मीर में है और ये वही है जो भारत का संविधान कहता है। और इसीलिए आज मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया कि लड़ाई सीधे तौर पर दो किताबों के बीच की विचारधारा की, एक तरफ भारत का संविधान है तो दूसरी तरफ मनुस्मृति है। मनुस्मृति के आधार पर जो इस देश को चलाना चाहते हैं वो सरकार में बैठे हुए हैं, विभिन्न राज्यों की सरकार में है और वो डॉक्टर अंबेडकर के उस संविधान को
उस संविधान को जिसमें पूरी परंपरा समाहित है, जिसमें 90 साल का स्वाधीनता आंदोलन के मूल्य समाहित है, उसको वो खारिज करना चाहते हैं। तो इसलिए ये लड़ाई अभी चलने वाली है, निरंतर चलने वाली है, लंबे समय तक चलने वाली है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, ये लंबी लड़ाई है, लंबे समय तक चलने वाली है। दो किताबों का जिक्र कर राहुल गांधी ने यहां बता दिया कि आपको दोनों में से क्या चुनना है, ये समझ लीजिए। और लड़ाई संविधान की है, लड़ाई मनुस्मृति की है। ये दोनों लड़ाइयों के बीच कौन किसके साथ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 100 साल पूरे करने जा रहा है RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगले साल, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें अभी आ रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहां पर राहुल गांधी संविधान बचाओ की बात कर रहे हैं। आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास, दिन भर के घटनाक्रम पर पहली प्रतिक्रिया आपकी, और इसमें एक तरफ राहुल गांधी झारखंड में, दूसरी तरफ अखिलेश यादव, और ये लग रहा है कि अंदर खाने, क्या आपको ज्यादा जानकारी होगी कि क्या अंदर खाने ये बिल्कुल तय हो चुका है कि इस बार मैदान छोड़ना नहीं है, जो गलती हमने कर ली खासकर हरियाणा में वो गलती दोहरानी नहीं है, ऐसा है? कुल जिस तरह झारखंड से खबरें आ रही हैं कि सीट शेयरिंग करीब करीब तय हो गई है, वो इंडिया गठबंधन के लिए बहुत संतोष की बात है। क्योंकि देखिए, जब कई दल होते हैं तो सीट शेयरिंग हमेशा एक बड़ी समस्या बनती है। वो जम्मू कश्मीर में भी बनी थी, आपको मालूम है, और 5 सीटों पे फ्रेंडली फाइट करना पड़ी थी वहां पे। इसी तरह महाराष्ट्र में भी कुछ सीटें ऐसी हैं जो गठबंधन के जितने भी साथी हैं, महाविकास अघाड़ी जिसको कहा जाता है, उनका सबका अपना अपना दावा है। और इसी तरह यहां पे भी था, क्योंकि कुछ नए साथी झारखंड में और साथ में शामिल हो गए थे, तो इसलिए वहां पे भी कांग्रेस के लिए और JMM, ये दोनों बड़ी पार्टियां हैं वहां पे, इनके लिए एक समस्या थी कि इनको कैसे एडजस्ट किया जाए। लेकिन एडजस्ट करना इसलिए जरूरी था कि इनका माहौल अच्छा है, इसलिए नए लोग इनकी तरफ आ रहे हैं, और ये एक बड़ा इन लोगों के लिए अच्छा प्लस पॉइंट है। तो अब वो करीब करीब तय हो गया है। आज जैसे ही राहुल गांधी वहां पहुंचे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनसे मिलने के लिए आए, और जो संविधान सम्मान सम्मेलन हुआ उससे पहले वो मुलाकात इन दोनों की बहुत ही अच्छी रही। अब इस संविधान सम्मेलन के जरिए राहुल ने जो बातें कही है वो झारखंड में और झारखंड के साथ पूरे देश में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक बार फिर याद दिलाया कि जो बीजेपी है आपको क्या कहती है। उन्होंने बताया कि वो आपको वनवासी कहती है जी। आपको याद होगा गुजरात में उन्होंने शुरू कही थी ये बात, राहुल ने शुरू करी थी ये बात, और उसके बाद मोदी जी को मजबूर होके वनवासी के बदले आदिवासी शब्द का प्रयोग करना पड़ा था। जबकि RSS के जितने संगठन हैं वो सब वनवासी परिषद और वनवासी का ही उपयोग करते हैं। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि आदिवासी मूल निवासी है ये। वनवासी का अर्थ क्या जाता है? जंगल में रहने वाला, जंगली। राहुल ने इसके खिलाफ जो एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया है वो उसका असर अब धीरे धीरे होने लगा है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि झारखंड के अंदर जो है अब मोदी जी के लिए या NDA के लिए लड़ाई उतनी आसान नहीं रह गई है। पहले बीजेपी ये समझ रही थी जब वो अपनी महिलाओं के लिए योजना लेके आई मैया सम्मान के मुकाबले की, तो उसको लग रहा था कि वो जो है लोगों को प्रभावित कर लेगी और जो उसके इमोशनल इश्यू हैं जो सारे के सारे, तो वो चल जाएंगे। यहां भी वो अपना हिंदू मुसलमान चला लेगी, दूसरा राष्ट्रवाद चला लेगी और उन्हीं इश्यूज के सहारे वो अपना काम कर लेगी। लेकिन अब एक तो झारखंड और कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन को मजबूती, बाकी CPIML का साथ आना, RJD ऑलरेडी साथ है ही, और एक दो और छोटे दल और कुछ नेता उनके साथ आए हैं, इससे झारखंड के अंदर बहुत मजबूती मिल गई है इंडिया गठबंधन को। और अब बीजेपी के वो सारे के सारे इश्यू जो हैं अब चलना मुश्किल हो रहे हैं। देखिए, ये मैया सम्मान, जो महिला सम्मान है, ये एक ऐसी योजना है जो पूरा गेम चेंज कर सकती है झारखंड के अंदर, क्योंकि आदिवासी महिलाओं को इससे पहले कभी इतनी एकमुश्त राशि नहीं मिली थी। अभी 1100 दे रहे थे हेमंत सोरेन, और अभी उन्होंने घोषणा कर दी कि वो 2100 रुपए होगी।
तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। बीजेपी अभी इसका तोड़ कोई ढूंढ नहीं पा रही है। और दूसरा जो महाराष्ट्र में आपने बताया कि महाराष्ट्र में भी हमें लगता है एक या दो दिन में, क्योंकि वहां भी 28 तारीख लास्ट है नॉमिनेशन की और आज 19 हो गई है, 10 दिन भी नहीं बचे, वहां करना पड़ेगा। तो एक दो दिन में वहां पे भी सारा सीट शेयरिंग का काम पूरा हो जाएगा। और वहां पे भी जो अखिलेश गए हैं तो अखिलेश का जाना यही बताता है कि अखिलेश को भी वहां बड़ी उम्मीद है। देखिए, अखिलेश हरियाणा में चुनाव नहीं लड़े, अखिलेश जम्मू कश्मीर में नहीं लड़े, लेकिन अखिलेश वहां जा रहे हैं, उनकी दो सीटें ऑलरेडी वहां हैं। तो ये बताता है कि सबको वहां उम्मीदें लग रही हैं। आदमी वहीं जाता है जहां उसको उम्मीदें लगती हैं, तो अखिलेश के साथ भी समझौता होगा वहां पे। तो ये दोनों चुनाव जो है जितना महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए है, उससे ज्यादा ये कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए है। क्यों? क्योंकि इन चुनावों को अगर ये जीत जाती है तो उसके बाद जो उसका लोकसभा का माहौल है वो वापस आ जाएगा। अभी हरियाणा के जाने से थोड़ा सा उस माहौल में डेंट पड़ा है, इसलिए ये चुनाव दोनों हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र जो है इंडिया गठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण। जी जी बिल्कुल, झारखंड और महाराष्ट्र इंडिया गठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये दोनों ही राज्य, और इसमें इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। आप तस्वीरें हम लोगों के नीचे देख रहे हैं बगल में, और ये तस्वीरें झारखंड की हैं जहाँ राहुल गांधी आज पहुँचे और उनका स्वागत आदिवासी अंदाज में किया जा रहा है। और इससे पहले राहुल गांधी से मुलाकात की वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, और उन तस्वीरों को भी ले आइए जरा स्क्रीन पर। और इसके साथ साथ झारखंड से चुनावी सभा का, कहें सभा तो नहीं यहां पर, लेकिन चुनाव का आगाज कर दिया है राहुल गांधी ने। और ये तस्वीर देखिए जहां हेमंत सोरेन हैं और राहुल गांधी हैं, बुके दे रहे हैं। अब कौन किसको बुके दे रहा है ये तो समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि होस्ट और गेस्ट, गेस्ट यहाँ राहुल गांधी हैं और होस्ट हैं मुख्यमंत्री जी, और ये फूलों का, फूलों के गुलदस्ते का आदान प्रदान। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है इन तस्वीरों को देखना और यहाँ से आगे की चुनावी रणनीतियों को समझने की ज़रूरत है। आप जब भी, कल भी मैं चर्चा कर रहा था, आज फिर से कहूँगा कि जब भी आप चुनावी और ख़ासकर इन दोनों राज्यों के विश्लेषण पर जाएँ तो आप हरियाणा से इतर जम्मू कश्मीर की तरफ ज़रूर देखें और तब आपकी निराशा थोड़ी कम होगी। प्रशांत टंडन जी, सही कह रहा हूं? जी, देखिए जम्मू कश्मीर में आज जो हुआ है या कल, आज जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उस पर मोहर लगा दी है, तो ये बड़ी क्रेडिबिलिटी है इंडिया गठबंधन को, एक क्रेडिबिलिटी देती है कि जो कहा था वो करके दिखाया। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो मोहर लगाई उसमें उनका भी प्रमोशन होगा, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से गवर्नर हो जाएंगे फुल स्टेटहुड में, तो उनका भी उसमें हित है अगर वो वही रहते हैं तो, गवर्नर बनने के बाद भी। लेकिन देखिए, वादा तो मोदी साहब बहुत करते हैं, मैं दो तीन वादे गिना दूं जो बहुत ही, मतलब जो लोगों को याद होंगे, बाकी तो हर रैली में उनके वादे होते हैं और आप ढूंढते रह जाएंगे कि वो इम्प्लीमेंट कहाँ होते हैं। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त मोदी जी ने कहा था कि आवारा पशुओं की समस्या दो दिन में सॉल्व कर देंगे। बिल्कुल, आज तक वो दो दिन पूरे नहीं हुए, खेत चल जाते हैं आवारा पशु। आप उत्तर प्रदेश में जाइए, किसानों ने पता नहीं कहां कहां से पैसे का इंतजाम करके बाढ़ लगाई हुई है कांटों की, रात रात भर पूरा परिवार चौकीदारी करता, तो वो समस्या वहीं की वहीं है उत्तर प्रदेश में। बाकी सब कुछ हो रहा है, बुलडोजर चल रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन जो चुनावी वादा है वो पूरा नहीं हो रहा जी। असम के चुनाव में गए, झारखंड से जुड़ा हुआ मामला है, असम के चुनाव में गए मोदी जी और असम की चाय की बहुत बात की, खुद भी बताया कि मैं चाय वाला था और चाय असम की बड़ी दुनिया पीती है और हम चाय पैदा करने वालों का बड़ा उद्धार करेंगे, और असम के टी ट्राइब्स की डिमांड है कि उनको शेड्यूल ट्राइब में रखा जाए। आप देखिए कितनी कितनी विडंबना है कि जिनका नाम ही टी ट्राइब है
वो शेड्यूल ट्राइब में गिने नहीं जाते असम में, वो वहां ओबीसी हैं। 17% पॉपुलेशन है असम की, बेहद गरीबी के बावजूद असम की इकोनॉमी में चाय के बागान का एक बहुत बड़ा रोल है। और मैं उन चाय के बागानों में गया हूं, मैंने हालतें देखी उन मजदूरों की, वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तमाम तरीके के इश्यूज हैं। 200 रुपए से कम की दिहाड़ी में वो काम करते हैं, भयंकर शोषण है। उनको टी ट्राइब, उनको ट्राइबल स्टेटस नहीं मिला। मोदी जी गए तो वो ट्राइबल एसोसिएशन के लोगों ने वहां धरने प्रदर्शन भी किए। 17% पॉपुलेशन के बाद आप देखिए वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में और झारखंड में, उन्हीं जो टी ट्राइब्स यहां से गए, झारखंड से मेजॉरिटी जो संथाल, कुरुक और मुंडा ट्राइबल्स हैं, उनको यहां पे झारखंड में, वेस्ट बंगाल में ट्राइबल स्टेटस है। मोदी जी के हर भाषण में आपको असम के चुनाव में टी ट्राइब को ट्राइबल स्टेटस के दर्जा की बात आएगी, लेकिन आज तक नहीं हुआ। हेमंत सोरेन ने अभी पिछले सप्ताह एक कमेटी बनाई है टी ट्राइब के लिए, उनको वापस बुलाने के लिए। रोजगार, 30 लाख वैकेंसियां हैं, राहुल गांधी बार बार कह चुके हैं। तो सवाल यह है कि सरकार की क्रेडिबिलिटी कैसे, या पॉलिटिकल पार्टी क्रेडिबिलिटी कैसे स्थापित हो, अपने काम से स्थापित हो जी। तो आप देखिए कि विपक्ष में रहते हुए, केंद्र की सरकार ना होते हुए भी, उन्होंने एक सप्ताह के भीतर जो वादा किया था स्टेटहुड का, वो उन्होंने दे दिया। अब बॉल जो है वो केंद्र के पाले में है। मोदी जी खुद भी स्टेटहुड का प्रॉमिस कर चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से पहल नहीं हुई। पहल हुई इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद। ये महत्वपूर्ण चीज लोगों को समझनी चाहिए। दूसरी बात जो राहुल गांधी जो कह रहे हैं वहां पे, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, कि देखिए वक्त आ गया है कि लोग सोशल इंजीनियरिंग और सोशल जस्टिस में अंतर समझें। ये सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से जो लोग संसद में पहुंचे, इन लोगों ने इन सवर्णों के लिए 10% आरक्षण पे हाथ खड़े किए थे, वोट डाला था पक्ष में। तो सोशल इंजीनियरिंग के लोग सोशल जस्टिस नहीं कर सकते। आप बताइए कि इतना अत्याचार होता है दलितों के साथ, आरक्षण के मुद्दे हैं, वैकेंसीज नहीं भरी जाती हैं, यूनिवर्सिटीज में जो हो रहा है, रविकांत जी जानते होंगे किस तरीके से फ्रॉड हो रहा है, या लेटरल एंट्री की मामला आया, तो ये लेटरल एंट्री में जब मामला आया और उसमें आरक्षण को बाईपास किया गया, तो ये सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से पहुंचे हुए संसद सदस्य क्या कर रहे थे? इस फर्क को समझना चाहिए जनता को भी कि सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का की बात है, और सोशल इंजीनियरिंग केवल और केवल ड्राइंग रूम में रखा हुआ एक गुलदस्ता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं है। और झारखंड के इलेक्शन में देखिए, झारखंड का इलेक्शन हो या हरियाणा का हुआ या जम्मू कश्मीर का या 2024 का लोकसभा का भी, और रोज जो हम देखते हैं, जो हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो अपेक्षा है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं करता, इलेक्शन कमीशन एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी का हाल हम देख रहे हैं, मीडिया दिन रात नफरत करता, ये एक प्रोसेस है। और उस प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है आज की राजनीतिक परिवेश में, कि क्यों हो रहा है, ये कौन लोग हैं जो कि सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स से डरे हुए हैं और ये एकजुट हैं। वो चाहे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हों, चाहे इलेक्शन कमीशन में बैठे हों, चाहे ब्यूरोक्रेसी में बैठे हों, या मीडिया में बैठे हों, ये संवैधानिक अधिकारों के विमर्श से डर रहे हैं। और यही टेस्ट केस होगा झारखंड और महाराष्ट्र का इलेक्शन। मोदी जी के पास पूरा मैंडेट है, पूरा मैंडेट तो नहीं है, लेकिन मैंडेट को एक मोहर लग गई हरियाणा के चुनाव से। अब उनको कौन रोक रहा है कि वो अपने वादे पूरे करें? लेकिन वादे पूरे नहीं हो रहे। झारखंड, छत्तीसगढ़ के चुनाव में ट्राइबल्स के लिए क्या क्या कहा, अब क्या हो रहा है हसदेव के जंगलों में जी, पेड़ काटे जा रहे हैं, किसके लिए पेड़ काटे जा रहे हैं? यही काम झारखंड में भी होने जा रहा है। ये अडानी ट्राइंगल में झारखंड ही है जो पूरा होना है, इसलिए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है
यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को और झारखंड के लोगों को। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रवण गर्ग साहब। गर्ग साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि बीजेपी ने झारखंड के लिए 66, जी हां 66 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट घोषित कर दी है, जारी कर दी है। चंपाई सोरेन को भी टिकट दिया गया है और अर्जुन मुंडा की पत्नी को टिकट है, रघुवर दास की बहू को टिकट है और चंपाई सोरेन और उनके बेटे को टिकट है। और ये झारखंड की बात मैं कर रहा हूँ। और यहाँ चंपाई सोरेन सरायकेला से चुनाव लड़ेंगे और इनके बाबूलाल मरांडी धनवार से चुनाव लड़ेंगे, सीता सोरेन जामतारा से चुनाव लड़ेंगी, ऐसे अलग अलग मीरा मुंडा जो हैं वो पोटका से चुनाव लड़ेंगी। तो ये तो अब आएंगे, ये तो लिस्ट निकलना ही है क्योंकि चुनावी मोड में देश है, और देश नहीं बल्कि ये राज्य है झारखंड और महाराष्ट्र, ये दोनों राज्य, और यहाँ पर अब गतिविधियाँ तेज़ हैं। दो डिमांड और की गई थी चुनाव आयोग से कि दोनों जगह के, दोनों राज्यों के, एक तरफ बीजेपी ने डिमांड की थी झारखंड में डीजीपी को बदल दो और उधर कांग्रेस पार्टी ने डिमांड की थी महाराष्ट्र के डीजीपी को बदल दो। बीजेपी की डिमांड मान ली गई, झारखंड के डीजीपी को हटा दिया गया और महाराष्ट्र के डीजीपी को नहीं हटाया गया है। इस पर कांग्रेस नाराज़ है कि हमारी बात क्यों नहीं मानी जा रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे आने वाले समय में। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी आज झारखंड में थे और संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उनकी एक बाइट मैंने आपसे वादा किया था कि और सुनाऊंगा, जरा उस बाइट को भी सुनाना चाहता हूं इसलिए क्योंकि चुनाव से पहले किन गतिविधियों की तरफ राहुल गांधी या उनकी पार्टी को राहुल गांधी लेके जाना चाहते हैं, ये ज़रा इस संविधान सम्मान सम्मेलन से हम समझ सकते हैं। राहुल गांधी की बाइट अभी सुनते हैं थोड़ी देर में। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि एक चुनावी मोड में फिर से ये दो राज्य जा चुके हैं और खासकर जम्मू कश्मीर के रिजल्ट के बाद से एक भरोसा दिखाई देगा इन दोनों ही राज्यों के मतदाताओं को भी, जो यहाँ पर किए गए वादों को पूरा होते हुए देखेंगे। जल्दी से सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूँ। सुनील जी, कैसे देखते हैं आप इन दोनों राज्यों को और क्यों नहीं देखना चाहिए जम्मू कश्मीर को? अच्छा चलिए एक मिनट जरा राहुल गांधी को सुन लेते हैं, राहुल गांधी को सुन लेते हैं, फिर आपके पास सीधा आता हूं, फिर गर्ग साहब के पास आता हूं। सच्चाई है, धन उनके पास, संस्थाएं उनके पास, मीडिया उनके पास, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब आप कहोगे भाई अगर सब कुछ उनके पास तो हमारे पास क्या है? हमारे पास सच्चाई है और हमें कुछ और नहीं चाहिए। आप ले लो, आप संस्थाएं ले लो, सब कुछ ले लो, धन ले लो, संस्थाएं ले लो, जब तक हमारे पास सच होगा सारा का सारा न्याय हमें मिलेगा। तो सुन रहे थे यहां राहुल गांधी को, यहीं से शुरुआत करते हैं। सुनील शुक्ला जी, धन्यवाद। राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है झारखंड में, ये तो भी आपने जो जानकारी दी कि 66 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई उसमें ही सामने आ जाता है। परिवारवाद आप उसमें देख लीजिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई देख लीजिए, दल बदलुओं को महत्व देख लीजिए, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा देख लीजिए, सब कुछ सामने है। चंपई सोरेन का बेटा, रघुवर दास का की बहू, अर्जुन मुंडा की पत्नी, दल बदलुओं में सीता सोरेन और मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा, तमाम जो लोग लोकसभा के उम्मीदवार थे उनको फिर विधानसभा के चुनाव में उतारा गया है, सुनील सोरेन जैसे लोग। तो भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति में है उस राज्य में, यह इनकी जो पहली लिस्ट आई यही बता रही है कि आप सांगठनिक तौर पर, अपने राजनीतिक विचारधारा के तौर पर, अपने राजनीतिक मुद्दों के तौर पर भारत झारखंड की जनता के बीच में किस तरह से आप जाने की तैयारी में है। उसके दूसरी तरफ जो महागठबंधन है उसने अपने 70 सीटें कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगी, 11 सीटें अपने अन्य सहयोगियों को दे देंगे, उनका एकदम एजेंडा साफ है, उनके उम्मीदवारों की भी घोषणा आजकल में शुरू ही हो जाएगी। राहुल गांधी का जो एजेंडा है संविधान का मुद्दा लेकर के, वह मुद्दा वहां पे प्रभावी है
और मैं हरियाणा का चुनाव या चुनाव परिणाम और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम को ये अलग अलग नहीं देखता। हरियाणा क्या राजनीतिक दलों की ताकत या राजनीतिक दलों का समर्थन या उनको मिल रहा जन समर्थन केवल इस बिना पर आका जाएगा कि उनकी सरकार बनी कि नहीं बनी, किस बूते पे बनी, किस आधार पे बनी, इसका मूल्यांकन नहीं होगा। क्या जो उनको जन समर्थन मिल रहा है उसको इसलिए खारिज कर दिया जाएगा कि इनकी सरकार नहीं बनने पाई। कांग्रेस ने 2014, 2019, 2024 में लगातार अपना मत प्रतिशत बढ़ाया। इस चुनाव में उसको 11% ज्यादा मत मिले हैं 2019 की तुलना में। तो ये वोट देने वाले कौन लोग हैं? क्या जनता नहीं है वहां की? हरियाणा की जनता ने उसको वोट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 2014 में जब वह पहली बार सत्ता में आई हरियाणा में 18% नीचे गिरा। तो कौन लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को खारिज कर रहे हैं? या हरियाणा में स्थिति नहीं है या उस राज्य में स्थिति नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो जनता के मुद्दे थे उन मुद्दों के साथ जनता नहीं खड़ी हुई। प्रबंधन की भी हार होती है, प्रबंधन के कारण भी कई चीजें आपसे चूक जाती है। आप ये थोड़े होगा आप रेलवे स्टेशन पर देर से पहुंचे और आपकी ट्रेन चली गई तो ये घोषणा कर दी जाएगी आप विदाउट टिकट थे, ये तो नहीं हो सकता ना। हम वैलिड टिकट था मेरे पास यात्रा का, देर हो गई किसी कारण से, यात्रा के जाम में फंस गए, हमको ट्रेन नहीं मिल पाई। तो प्रबंधन की चूक को जनता के द्वारा नकार दिया जाना यह तो परिभाषित नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ आप जम्मू कश्मीर में क्या भारतीय जनता पार्टी कर रही थी कि उसने 370 खत्म किया है वहां की जनता की मांग पर, उस राज्य की बेहतरी के लिए, उस राज्य के आर्थिक विकास के लिए, उस राज्य से आतंकवाद को खत्म करने के लिए। क्या जनता ने इसको स्वीकार कर लिया? भारतीय जनता पार्टी ने घाटी के क्षेत्र इलाके में 19 उम्मीदवार खड़े किए, एक उम्मीदवार नहीं जीता। चुनाव जीतने के लिए जितने तरीके उन्होंने अख्तियार किए थे हरियाणा में, वो सभी तरीके उन्होंने अख्तियार किया, बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार खड़े करने, अपने सहयोगी दलों को, राष्ट्रीय लोक दल जो कि उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ता, वो जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने चला गया, 9 सीटों पर उम्मीदवार था वो। जो अठावले साहब महाराष्ट्र में सभी सीटों पर उम्मीदवार नहीं लड़ा पाते हैं, वो जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने गए थे। बड़े पैमाने पर आप निर्दलीयों को उन्होंने प्रोत्साहित किया चुनाव लड़ने के लिए कि गैर बीच जो एनसी और कांग्रेस गठबंधन के मतदाता हैं उनके बीच में बंटवारा, उनके उनको उनमें किस तरह का विभाजन हो, वो तो नहीं सफल हो पाया। और जिस जम्मू रीजन के क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुख्यमंत्री का एक नारा दे रही थी उसके भी तो उसको सभी के सभी सीटें जीतनी चाहिए थी, 43 के 43 सीटें उसको जीतनी चाहिए थी, लेकिन बढ़ी हुई संख्या पर सीटों की संख्या बढ़ने के बाद उनको 29 सीटें मिली है। जब सीटों की संख्या नहीं बढ़ी थी तब 25 सीटें थी उनके पास, जब सीटों की संख्या बढ़ी है तब, और सीटें बढ़ी हैं 6। तो जम्मू कश्मीर की भी जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया। और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को ये सीपीएम के गठबंधन को इनको मिल करके उन्होंने एक जबरदस्त जन समर्थन दिया, एक पूरे पूर्ण बहुमत की सरकार बनी हुआ। भारतीय जनता पार्टी को इस लायक भी नहीं छोड़ा कि जिस तरीके से उन्होंने सत्ता हथियाने की कोशिश की बल्कि सफल रहे महाराष्ट्र में और पिछली बार कर्नाटक में, वो भी बहुमत नहीं ला सकते। तो राजनीतिक स्थितियां उन दोनों राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी पूरे देश में वह बनी हुई है, और वही स्थितियां झारखंड और महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इसलिए बार बार क्यों कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर के महाविकास अघाड़ी में मतभेद है? अरे किस बात का मतभेद है? सवाल यह है कि अगर वो दल आपस में ये कहें कि नहीं हम चुनाव अलग अलग लड़ लेंगे तो बात आपके समझ में आती है, उसके विचार की प्रक्रिया चल रही है, अपना निर्णय लेंगे वो। आप कोई क्यों नहीं कहता कि महायुति में टिकट के बंटवारे को लेकर के विवाद है? और अगर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को, अपने शासन को, अपनी व्यवस्था को, डबल इंजन की सरकार को, 10 साल के केंद्र सरकार की सरकार की उपलब्धियों को लेकर के जा रही होती तो इसको इतनी रेवड़ियां बांटने की आवश्यकता थोड़ी थी। महाराष्ट्र में पूरा का पूरा खजाना खोल दिया गया है जी, हमें दे रहे हैं तमाम, और उसमें ऐसी योजनाएं भी हैं जिनका विरोध वहां के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी कर रहे हैं जी, बिल्कुल। तो आप भारतीय जनता पार्टी है क्या? भारतीय जनता पार्टी के सामने जो इंडिया गठबंधन ने सवाल पैदा किए हैं वो सवाल लोगों के बीच में महत्वपूर्ण है और पूरी विश्वसनीयता के साथ है।
और जो ये आरक्षण का विषय हो चाहे संविधान बचाओ का सवाल हो, ये सभी सवाल इन दोनों राज्यों में प्रभावशाली होंगे और इन दोनों राज्यों के होने वाले चुनाव जो गलतियां अब जो प्रबंधन संबंधी गलतियां इंडिया दल समूह के साथ हरियाणा में हुई है, हो सकता है कि उन गलतियों से अपने आप को निजात पा लें, लेकिन उसके कारण से कोई भारतीय जनता पार्टी का जन समर्थन बढ़ जाएगा या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लोगों के मन में अविश्वास है वह दूर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं लगता, उस स्थितियां नहीं लगती है। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी को अपनी नीतियों पर, अपने नेतृत्व पर, अपने संगठन पर इतना ही भरोसा होता तो इतने बड़े पैमाने पर आपको दल बदलुओं को जगह देने की आवश्यकता जिनको आप कल लेकर के आए हैं। सीता सोरेन कोई बहुत बड़ी पुरानी पार्टी में तो शामिल नहीं हुई, लोकसभा के चुनाव के दौरान शामिल हुई, फिर आपने उनको विधानसभा में चुनाव लड़ाया। जिस मधु कोड़ा के खिलाफ आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहते थे, गीता कोड़ा को आपने फिर उम्मीदवार बनाया, लोकसभा के चुनाव में भी आपने उम्मीदवार बनाया था। तो जो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती थी भ्रष्टाचार की, क्या इस लिस्ट के आधार पर वह भ्रष्टाचार का नैरेटिव झारखंड में चला पाएगी, लोग उसको स्वीकार करेंगे? जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप आप लगा रहे थे उसी परिवार के लोगों को आपने लोकसभा के भी चुनाव में उम्मीदवार बनाया और आप विधानसभा के चुनाव भी उम्मीदवार बना रहे हैं। कोई ऐसी राजनीतिक स्थितियां नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष बनती है। मेरा अपना मानना यह है कि इन दोनों राज्यों में जो राजनीतिक माहौल इंडिया दल समूह ने बनाया है वह चुनाव के दौरान यह प्रभावी तरीके से दिखाई पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के पास उसका कोई जवाब मुझे नहीं दिखाई पड़ता। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के पास क्या जवाब है आने वाले दो राज्यों के जो चुनाव हैं, इन दोनों राज्यों के चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड की अब बारी है और इससे पहले दो राज्यों के चुनाव में एक एक की बराबरी हुई लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा हरियाणा की हुई और यहां से ऐसा लगा कि एक लिफ्ट कराने की कोशिश थी बीजेपी को, लेकिन बीजेपी कितना लिफ्ट हो पाई, इसलिए लिफ्ट वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि इससे पहले 240 सीटों पर सिमटी हुई बीजेपी हतोत्साहित थी और यहां से अगले चुनाव में एक कदम आगे बढ़ाकर नरेंद्र मोदी रखना चाहते थे और उसमें हरियाणा ने सोने में सुहागा का काम किया या दाल में घी डालने का काम किया, लेकिन क्या यह काम आगे उनके लिए प्रभावी साबित होगा? क्या महाराष्ट्र का चुनाव और हरियाणा और जम्मू झारखंड के चुनाव को जम्मू कश्मीर के चुनाव की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी इंडिया गठबंधन कमोबेश चुनाव में था और इन दोनों राज्यों में भी इंडिया गठबंधन चुनाव में है, क्या ये चुनाव हरियाणा के चुनाव से अलग नहीं है? ये सारी बातें हम समझने की कोशिश करते हैं। गर साहब, आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखा जाए इन दोनों राज्यों के चुनाव को, कैसे देखते हैं आप? कि मैं थोड़ा सा एक जो नजरिया है मेरा देखने का वो एक तो कंजर्वेटिव तरीका हो सकता है देखने का, जिसको एक नैतिक नजरिया जिसको शुक्ला जी ने बयान किया या प्रशांत टंडन जी जो कह रहे हैं या मैं सुन रहा था इनको शकील साहब को भी, एक तो हम जो मुद्दा उठा रहे हैं वो नैतिकता का उठा रहे हैं। नैतिकता का मुद्दा ये उठा रहे हैं कि देखिए आपने किन लोगों को टिकट दिया, सीता सोरेन को दे दिया या गीता कोंडा को दे दिया या रघुवर दास के बेटे को या बहू को दे दिया, एक तो मुद्दा ये है जी। वो नैतिकता का मुद्दा है। आप एक अनैतिकता में यकीन करने वाली पार्टी से नैतिकता का मुद्दा उठा रहे हैं, एक ऐसी पार्टी जिसका मॉरलिटी से कोई मतलब नहीं है, जो हर तरह का समझौता करने को तैयार है और जो बुनियादी फर्क है मतलब राहुल गांधी में और भारतीय जनता पार्टी में, वो बुनियादी फर्क ही यही है कि राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं कुछ मूल्यों पर और ये सब मूल्यों को ताक पे रख देते हैं। अब मैं थोड़ा सा राजीव जी नैतिक मूल्यों की बात नहीं कर रहा हूं जी, मैं ये कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, जो हरियाणा में उसने किया और जो कांग्रेस ने गलती की और जो महाराष्ट्र में वो करने जा रही है और झारखंड में जो कर रही है, वो ये कर रही है कि विनिंग कैंडिडेट्स को वो खड़ा कर रही है।
नैतिकता का मुद्दा नहीं है उनके सामने, उनको ये देखना है कि चंपई सोरेन जीत सकते हैं कि नहीं, और चंपई सोरेन का बेटा, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने का जो नैतिकता का जो मापदंड है जो उन्होंने गुजरात में अपनाया था वो ये था कि एक परिवार से एक को ही टिकट देंगे, पर हुआ क्या, गुजरात में जब विद्रोह हुआ तो उन्होंने गुजरात में भी एक्सेप्शन कर दिए, वहाँ के जो आदिवासी नेता थे उनके परिवार में दो लोगों को टिकट दे दिए। आप उन लोगों से नैतिकता की बात कर रहे हैं जिनके लिए नैतिकता का कोई मतलब नहीं है, तो अब क्या स्ट्रेटेजी ये नहीं हो सकते कि आप उनकी इस बात के लिए आलोचना करेंगे, देखिए आपने किन लोगों को टिकट दे दिया। स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए कि भाई ठीक है आपने दे दिया, मरांडी को दे दिया, बाबूलाल जी को, तो अब हम आपका मुकाबला किससे करेंगे, ये मुद्दा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसे जेडीयू को दो सीटें दी उन्होंने, मान ली 81 सीटों में से 66 सीटें उन्होंने खुद ले ली। अब जेडीयू ने, मान लीजिए कि नीतीश कुमार ने बड़ी तैयारी की थी वहां, 16 कैंडिडेट्स के नाम दिए उन्होंने कि 16 हमको चाहिए, उनको दो दे दिए। पिछली बार भी जेडीयू के दो लोग जीते थे और लोक जनशक्ति पार्टी का एक आदमी जीता था, और एएसजेयू का भी एक आदमी जीता था। मैं कुल मिलाकर जो कह रहा हूं कि जो बेसिक गलती हरियाणा में हुई थी वो ये हो गई थी कि राहुल गांधी ने बहुत सारी चीजें लोकल लोगों पर छोड़ दी थी और टिकट गलत चले गए कुछ लोगों को। हरियाणा में अगर हम इस मुद्दे को उठाएंगे कि इन्होंने किस लोगों को टिकट दे दिए तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा झारखंड में इस मुद्दे को उठाएंगे जी कि किनको दे दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। इनका मुकाबला कैसे करें राहुल गांधी और हेमंत सोरेन मिलके, ये चुनौती है वहां, और यही चुनौती महाराष्ट्र में है जो बड़ी चुनौती है। 288 सीट्स में से 200 सीटों पर तो इनकी सहमति हो गई है, 200 से ज्यादा पर हो चुकी है, वैसे जो फर्क है मेरे ख्याल से 28-30 सीटों पर थोड़ा सा मतभेद है, वो भी हो जाएगा क्योंकि ये जो सीटें हैं ये मुख्यतः बंबई के इलाके की सीटें हैं, बंबई आसपास की, थाने की, नासिक की, ये सीटें हैं। बंबई में, बंबई चूंकि राज करता है पूरा महाराष्ट्र पर, तो बंबई पर सबकी, सारे दलों की, जैसे एकनाथ शिंदे का जो असर है वो थाने के इलाके का है पूरा का पूरा, पूरे महाराष्ट्र में नहीं है उनका। शिवसेना का जो उद्धव का है वो अर्बन एरियाज में ज्यादा है, शरद पवार का विदर्भ में ज्यादा है, तो ये जो पूरा का पूरा मामला है महाराष्ट्र का, ये अगर मिलकर नहीं लड़ेंगे राजीव जी, जी तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए मैं इस समय नैतिकता को लेके कोई सवाल नहीं करना चाहता कि महाराष्ट्र में बीजेपी क्या कर रही है, वो 150 सीटों पर लड़ने वाली है उन्होंने कहा है, और अजीत पवार को कम से कम सीटें देगी। महाराष्ट्र के लिए, बीजेपी के लिए और संघ के लिए इस समय किसी भी कीमत पर जीतना जरूरी है। आपने ये कहा कि डीजीपी झारखंड का बदल दिया और महाराष्ट्र का नहीं बदला, वो नहीं बदलेंगे। आप, हमको ये तय करना पड़ेगा कि खेल के पूरे जो कार्ड्स हैं उनके पास हैं, उन्होंने बेईमानी करके सारे के सारे जो तुरुप के पत्ते हैं अपने पास रखे हुए हैं, तो इसलिए
दूसरा एक मुद्दा ये है कि जम्मू कश्मीर में जो हुआ उससे आप तुलना नहीं कर सकते झारखंड की और महाराष्ट्र में। जम्मू कश्मीर की जो जीत है वो बेसिकली अलग जीत है, उसमें वहाँ बीजेपी थी नहीं, पूरी तरह से गायब है, वैली में तो पूरी गायब है, और नुकसान उनको जम्मू में भी हो गया, बीजेपी को काफी नुकसान हो गया। जम्मू कश्मीर जैसी स्थिति झारखंड में बीजेपी की नहीं है और महाराष्ट्र में भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा हमको एक फर्क करके चलना पड़ेगा कि अब जैसे वैली में सिर्फ 19 जगह पर उन्होंने खड़े किए, पूरी की पूरी इतनी बड़ी वैली में बीजेपी ने, लोकसभा में तो खड़े ही नहीं किए थे वैली में, लद्दाख में भी नहीं खड़े किए थे जी। स्ट्रेटेजी का मुकाबला स्ट्रेटेजी से करना पड़ेगा, और वो स्ट्रेटेजी अगर है कांग्रेस और शिवसेना और शरद पवार के पास तो काम चल जाएगा। अखिलेश यादव का बड़ा फर्क पड़ेगा तो वहां जाने से, क्योंकि 60% पॉपुलेशन नॉन महाराष्ट्रियंस की है बॉम्बे में, 60% जी, तो और 19% गुजराती हैं, मतलब जो ओरिजिनल महाराष्ट्रियंस हैं कम है। नॉर्थ इंडिया के काफी लोग हैं, 20% के करीब लोग हैं नॉर्थ इंडिया के, तो वो बड़ा फर्क करेंगे वहां जो सीटें हैं, एक एक सीट पर फर्क पड़ने वाला है महाराष्ट्र में इस बार। अगर आप पिछले लोकसभा का जो आंकड़े देखें तो 31 सीट्स में जो फर्क रहा है हार जीत का 5000 का रहा है जी, 31 सीट्स में लोकसभा के चुनाव में असेंबली सेगमेंट्स की मैं बात बता रहा हूं, और उसकी बात करें तो 158 सीटों पर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी है, और उनसे 25-35 सीटों से कम इनको मिली है महायुति को, तो 35 सीटें वो कम मिली, और 31 पर फर्क ये रहा 5000 का। बहुत कांटे की लड़ाई है राजीव जी महाराष्ट्र में, तो हम चाहे जो एक उठाते रहे मुद्दे कि ये पूरे अनैतिक काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, करेंगे वो तो जीतने के लिए सब करेंगे। बिल्कुल, एक तो नजरिया ये हो सकता है, दूसरा जो नजरिया ये है कि वोटर्स पर छोड़ दें कि भाई उनको बताएं कि ये सब अनैतिक काम कर रहे हैं तो आप हमारा साथ दीजिए, तो अब मैं नहीं जानता कि उसमें वोटर्स, आप सोचिए कि जो वहाँ के 5 प्लाजाज हैं बॉम्बे के, उनको लाइट व्हीकल्स की एंट्री फ्री कर दी उन्होंने जी महाराष्ट्र बॉम्बे में, 2.5 लाख व्हीकल्स रोज आते हैं वहाँ, टोल टैक्स नहीं देंगे वो, हर तरह की बेईमानी कर रहे हैं ये लोग, तो वो करेंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक सिनिकल व्यू है, नहीं नहीं बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, एक एक लड़ाई जो है वो एथिकल वे में लड़ी जा रही है, और एक तरफ वही लड़ाई किसी दूसरे अंदाज में, दूसरे स्टाइल में लड़ी जा रही है, और उसमें कौन आगे होगा, क्योंकि जब यहाँ एथिकल वे नहीं है, जब यहाँ लड़ाई जो है वो साम दाम दंड भेद की है, तो वैसे में खासकर कांग्रेस पार्टी को, या कहें तो इंडिया गठबंधन चूंकि इन दोनों राज्यों में है, तो उसको कमर कस के आना होगा, यहाँ एथिकल लड़ाई से काम नहीं चलने वाला, यहाँ पर किसके भाई को दिया, किसके भतीजे को दिया, किसकी बहू को दिया और किसकी बीवी को वोट दिए बीजेपी ने, ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि एंड ऑफ द डे जीता कौन, और उस लड़ाई में बीजेपी सब कुछ सामने लेके आती है, और जैसा आप कह रहे थे कि जनता के ऊपर छोड़ दें, जनता वोट दे के तो चली आती है घर साहब, लेकिन उसके वोट को अगर चुरा लिया जाता है तो फिर आगे क्या किया जाएगा, और ये वोट चोरी ना हो इसकी जिम्मेदारी भी विपक्ष की है, वो कितनी मुस्तैदी के साथ, चुस्ती के साथ वो उस
उसकी रखवाली करता है, चौकीदारी करता है, ईवीएम से लेकर उससे शुरुआती दौर में। अभी वोटर लिस्ट की भी खूब बात हो रही है, वोटर लिस्ट के बारे में भी कहा जा रहा है कि कई लोगों के नाम काट दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, और दूसरे राज्यों के लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं महाराष्ट्र में, ये जोड़े गए हैं, ये सब भी बताया गया है। बहुत सारी ऐसी खबरें भी आ रही हैं, खबरों में कितनी सच्चाई है इसकी तह में हम लोग नहीं गए हैं, इसलिए मैं इन खबरों को पूरा इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो आप तक जरूर रख रहा हूं कि ऐसी खबरें भी आ रही हैं जिसमें वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हुई हैं। और इन बातों पर इसलिए भरोसा भी हो जाता है, इन बातों में दम इसलिए भी दिखाई देता है क्योंकि ऐसी घटनाएं पिछले चुनावों में अलग अलग राज्यों से और खासकर लोकसभा चुनाव के समय भी आई थी, हुई हैं, तो इसलिए भी थोड़ा भरोसा हो जाता है। एक बार फिर से आना चाहता हूं जल्दी से शकील अख्तर जी आपके पास। शकील जी, जरा बताइए आखिर इंडिया गठबंधन की तैयारियां क्या हैं? आप चूंकि बहुत नजदीक से विपक्ष की गतिविधियों, कांग्रेस पार्टी की गतिविधियों पर नजर रखते हैं, उस लिहाज से भी समझना चाहता हूं क्या तैयारियां इन दोनों राज्यों के लिए इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस पार्टी की हैं। देखिए, उन्हीं तैयारियों के सिलसिले में आज राहुल गांधी झारखंड गए थे। आपको याद होगा कि ये हमने 3-4 दिन पहले ही बताया था, जिस दिन उनका प्रोग्राम बन रहा था, फाइनल नहीं हुआ था, कि राहुल जो है 19 को झारखंड जा रहे हैं। तो ये राहुल ने जाके वहां पे चुनाव की शुरुआत कर दी है, और वहां पे जब सीट शेयरिंग हो गई है, करीब करीब तय है झारखंड की, तो ये जो है वहां पे एक अच्छी शुरुआत है। इसी तरह महाराष्ट्र में जो है वहां पे भी सीट शेयरिंग हमें लगता है कल या परसों तक पूरी हो जाएगी, क्योंकि जैसा आपने बताया कि 28 तारीख में एक ही दिन में चुनाव होना है, 28 तारीख नॉमिनेशन की लास्ट तारीख है, और वहां पे उससे पहले सबको अपनी अपनी तैयारियां करना है, अपने अपने टिकट बांटना है। देखिए, जो 28-30 सीटों की बात है, वो सारी सीटें ऐसी हैं जहां पे जीत की संभावनाएं इंडिया गठबंधन की बहुत ज्यादा है, और एक ही सीट पे दो दो तीन तीन दलों के नेता जो है वहां लगातार काम कर रहे हैं, तो इसलिए वहां पे भी ये समस्या आएगी। लेकिन हमें लगता नहीं है कि ये जम्मू कश्मीर जैसी स्थिति होगी कि फ्रेंडली फाइट हो, टिकट सीट शेयरिंग होगी और ये कहा जाएगा, बताया जाएगा कि आपकी है और ये हमारी है। उसमें देखिए, एक सबसे बड़ी बात जो है, जिसकी डिमांड महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हो रही है, वो इंडिया गठबंधन कर पाए या न कर पाए, लेकिन उसके कुछ संकेत इन्हें देना शुरू करना पड़ेंगे। वहां सबसे बड़ी बात है कि आपका मुख्यमंत्री का वहां पे चेहरा कौन है, वहां पे कांग्रेस में या एनसीपी में, शरद पवार में कोई नेता ऐसा नहीं है जो उद्धव ठाकरे की तरह एक सहानुभूति लोगों की रखता हो। इसलिए हम इस बात को बार बार कह रहे हैं कि ये कांग्रेस को और एनसीपी को ये बैठ के सोचना चाहिए कि क्या उद्धव ठाकरे से ज्यादा अच्छा चेहरा कोई उनके पास है ऐसा, और नहीं है तो उन्हें चाहे डिक्लेयर करें या ना करें, मगर वो चीज थोड़ी सी संकेतों में समझाना चाहिए कि जीतने के बाद हमारा मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देखिए, उद्धव ठाकरे को जिस तरह से हटाया गया वहां से, उसके बाद वहां के लोगों को बहुत बुरा लगा है, और सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा, और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद उस सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया, सब कुछ उसने अवैधानिक बताया। तो आज की तारीख में वहां पे महाराष्ट्र में कांग्रेस की, एनसीपी शरद पवार की और उद्धव ठाकरे की स्थिति बहुत अच्छी है, और वो जो है जो महायुति की सरकार है उससे बेहतर स्थिति में वहां आज मौजूद है। तो इसमें जो उन्हें तैयारी जो हो रही है वो तो चली रही है, सीट शेयरिंग के बाद शायद कुछ सीटों का फैसला दिल्ली में भी हो आके लास्ट में। शकील जी, एक बात यहाँ एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी के जो अन्य दल हैं, इन्होंने इस विषय में कोई जानकारी दी है क्या? अंदर खाने कुछ चल रहा है क्या कि हम लोग पहले से अपने मुख्यमंत्री पद का चेहरा महाराष्ट्र में देंगे, ऐसी कोई जानकारी है? हाँ, ये तो काफी बातचीत हुई है इसके बारे में, कई दौरों की चर्चाएं हुई है इसके बारे में, और उद्धव ठाकरे अभी नहीं लेकिन कुछ दिनों पहले साफ साफ कह चुके हैं, संजय राउत कह चुके हैं, अगर ऐसा आप कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, एक बड़ा फर्क है, इसको समझने की बहुत जरूरत है, कि जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है वो पहले की तरह जो पुरानी शिवसेना थी उसकी तरह जो है बात ज्यादा जोरदारी से या अपना दबाव रख के नहीं कहती है, वो बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से बात करते हैं, और सबको मालूम है कि उद्धव ठाकरे जो है एक बहुत अलग तरह का फेस है,
एक लिबरल फेस है, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि ये महाराष्ट्र के लोगों को ये फेस पसंद आया। बीजेपी इसका बहुत प्रचार कर रही थी कि कहां बाला साहब ठाकरे, कहां उद्धव ठाकरे, लेकिन उद्धव ठाकरे के कार्यकाल ने बता दिया कि उद्धव ठाकरे का ये फेस लोगों को पसंद आया। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे काम कर रहे हैं, सब मिलजुल के रहना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे वही बात कर रहे थे, और वहां पे जो ग्राउंड पे काम करना है जिसको बीजेपी कहीं नहीं करती है। देखिए, बीजेपी 10 साल से प्रतीकात्मक राजनीति कर रही है, और 10 साल से क्या आप कह सकते हैं, 70 साल से कर रही है। बीजेपी की राजनीति में काम नहीं होता, काम का ढोंग होता है। जैसे अभी एक सबसे बड़ा उदाहरण है जो बहुत चर्चा में चल रहा है, जिसको हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया, बड़ी शिकायत है लोगों की, न्याय नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा न्याय नहीं मिल रहा है, मैं न्याय की देवी का हुलिया बदल देता हूं। उन्होंने न्याय की देवी का हुलिया बदल दिया, उनकी आंखों से पट्टी हटा दी, और एक गलत तरह की जो बहस है वो शुरू कर दी कि पहले लोग कहते थे कि इसको दिखता नहीं है। ये लोग नहीं कहते थे, वो कुछ ही लोग थे जो कम जानते हैं, वो इस बात को कह रहे थे। आंख की पट्टी का मतलब होता है कि वो यह नहीं देखती कि कौन है मेरे सामने, वो तथ्यों पे बात करती है, ये मतलब था उसका। लेकिन वो एक मनचाहा उन्होंने अर्थ निकाल दिया उसका, और हाथ में संविधान दे दिया। वो उसका एक उदाहरण हम इसी तरह देते हैं कि ऐसा ही मोदी जी ने किया था। होना ये चाहिए था कि जो विकलांग थे उनको शिक्षा में, नौकरी में, जीवन के अन्य कामों में ज्यादा सुविधाएं देना, उनको ज्यादा संरक्षा देना, उनका जो है अनुपात ज्यादा करना आरक्षण में। लेकिन उसके बदले उन्होंने कहा कि आप तो दिव्यांग हैं, दिव्यांग हैं आपके, हो गया काम पूरा। तो ये जो है बीजेपी हमेशा से करती है। उद्धव ठाकरे ने क्या किया, उन्होंने काम करके दिखाया, लोगों की सुनवाई करी। तो आज की तारीख में महाराष्ट्र में महागठबंधन की, महाविकास अघाड़ी की स्थिति बहुत अच्छी है, और जो आपने पूछा कि इस दिशा में बहुत बात हुई है, चर्चा हुई है, फैसला हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो अलग मुद्दा है, बहुत सारी बातें होती हैं उसमें, लेकिन एक या दो दिन के अंदर इन्हें अपनी सीट शेयरिंग का काम पूरा करना चाहिए, और जो हमारी पास जानकारी है उसके अनुसार ये काम हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी ज्यादा होने वाली नहीं है। इसमें थोड़ा सा ये है कि अखिलेश यादव के पास दो सीटें हैं, अखिलेश यादव थोड़ी ज्यादा मांग रहे हैं, उन्हें भी एडजस्ट करना ही पड़ेगा, कितनी देते हैं कितनी नहीं देते हैं ये सब देखा जाएगा। लेकिन देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है एक, कि राहुल गांधी की राजनीति दूसरे नेताओं से, खासतौर से मोदी जी से बिल्कुल डिफरेंट है, और जनता इसको कुछ हद तक समझ रही है और कुछ हद तक और समझेगी। इसके लिए हम सिर्फ एक उदाहरण देना चाहेंगे जी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ये नेहरू जी ने कहा था ये बात, कि चुनाव की हार जीत बहुत अलग मुद्दा होती है, लेकिन उसके लिए मैं अपने उसूलों से हट जाऊं, मैं धार्मिक राजनीति करने लगूं, मैं जातिवादी राजनीति करने लगूं, मैं गरीबों के खिलाफ राजनीति करने लगूं, ये संभव नहीं है। और वही राहुल गांधी कर रहे हैं। जनता तो समझेगी, आज नहीं समझेगी कल समझेगी, थोड़ा थोड़ा समझ रही है। और राजनीति का एक सबसे बड़ा उद्देश्य होता है जनता में चेतना पैदा करना, वो राहुल बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जनता को थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा और आएगा, लेकिन ये चेतना पैदा करने का काम रुका हुआ था, राहुल पैदा कर रहे हैं। आज का पूरा भाषण आप सुनिए, झारखंड का जो है वो कितने साफ साफ कह रहे हैं कि सम्मान तो ठीक है, ये लिखा हुआ मैं देख रहा हूं, सामने लिखा हुआ है संविधान सम्मान, लेकिन इस संविधान की सुरक्षा करना है, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, ये सुरक्षा करना है, और किन ताकतों से करना है ये भी उन्होंने बताया, और ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बताई कि संविधान जो है 70 साल तो हम कहते हैं, 1950 में इसको अंगीकार किया गया, लेकिन इससे पहले हमारे यहां जो प्रगतिशील मूल्यों की लड़ाई लड़ते रहे, सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ते रहे, मानवीय मूल्यों की लड़ाई लड़ते रहे, उसमें उन्होंने सबके नाम लिए, ये उनके मूल्यों के अनुरूप संविधान है, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो एक धारा थी इस देश में, जो प्रो पीपुल धारा थी, उस प्रो पीपुल धारा की ये इकाई संविधान है। तो अब ये लड़ाई है, चलेगी, और राहुल की जो सबसे बड़ी बात है, जो खास बात है, कि वो न डरते हैं और न उन पे इन बातों का असर पड़ता है कि कौन क्या कह रहा है, ये एक अच्छी बात है। और इसके साथ ही उन्होंने सारे चुनाव लड़े हैं और वो ये दो चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, देखिए क्या होता है। बिल्कुल, देखते हैं क्या कुछ होता है आने वाले समय में। बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं, राहुल गांधी की बात। इस बीच कुछ ब्रेकिंग खबर भी आ रही है, वो भी हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, और
वायनाड से आप जानते हैं कि प्रियंका गांधी मैदान में हैं और प्रियंका गांधी के सामने एक तरफ से सीपीआई और दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपने कैंडिडेट को उतार दिया है। बीजेपी ने नव्या हरिदास को उम्मीदवार बनाया है जबकि सीपीआई ने भी, सीपीआई का नाम मैं थोड़ी देर में जरूर बताऊंगा आपको। तो ये तमाम अलग अलग उपचुनावों की भी बातें होंगी और बातें जो हैं वो इन दोनों राज्यों की भी होंगी। ये सब कुछ हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि एक तरफ उसूलों की राजनीति, दूसरी तरफ साम दाम दंड भेद की राजनीति, कि किसी भी ढंग से हमें सत्ता पर काबिज होना है। और सबसे बड़ी चीज़, सत्यन मुकेरी को उतारा है सीपीआई ने। यहाँ आप याद कीजिए, पहले सीपीआई ने, सीपीआई की जो कैंडिडेट थी और उनको हराया था राहुल गांधी ने, और अब सत्यन मुकेरी को उतारा है फिर से। हालांकि मैं ये उम्मीद कर रहा था कि इंडिया गठबंधन वन साइडेड अकेले कैंडिडेट को यहाँ पर समर्थन दे देगा, लेकिन शायद ये समर्थन यहाँ नहीं देना वाजिब समझा सीपीआई ने। चलिए खैर, ये बात मैं कर रहा था वायनाड की, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। और साम दाम दंड भेद की बात मैं कर रहा था, साम दाम दंड भेद में कौन आगे कौन पीछे, क्या उसूलों की राजनीति भारी पड़ेगी बीजेपी की राजनीति के ऊपर, एक बड़ा सवाल है। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर रविकांत जी, उसूलों की राजनीति पर संविधान की बात, संविधान दिखा रहे हैं राहुल गांधी, संविधान को बार बार दिखाते हैं, इस संविधान की बात क्या अब भी लोगों को पसंद आती है या ये बात लोकसभा तक ही सीमित रह गई और अब लोग कहेंगे कि नहीं, हमारे यहाँ बाजू में जो नाला है वो ठीक करवा दो, इसकी बात करेंगे? संविधान को बदलने की मुनादी करने वाले लोग जब तक सत्ता में हैं तब तक संविधान के प्रति दायित्व तो राहुल गांधी का है कि उसकी संरक्षा में, उसकी सुरक्षा में खड़े रहे और इस देश के विपक्ष की और उन तमाम लोगों की, हालांकि ये समूचे देश का मामला है लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, हालांकि बहुत मुट्ठी भर लोग हैं जो इस संविधान को कभी भी नहीं पसंद करते थे, तब भी नहीं और आज भी नहीं, तो उनको अगर छोड़ दें तो बाकी लोगों की ये जिम्मेदारी है कि संविधान की सुरक्षा में वो खड़े रहे। रही बात इसकी कि क्या संविधान वो मुद्दा है नैरेटिव के स्तर पर, विमर्श के स्तर पर, ये मुद्दा लगातार बना रहेगा और तब तक बना रहेगा जब तक वो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं जिनके जवान पर और जिनके दिमाग में ये है कि संविधान को बदलना है, तब तक ये विमर्श बना रहेगा। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने इसे अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया है और इसीलिए आप हर महीने देख रहे हैं, कभी वो इलाहाबाद में होते हैं, कभी झारखंड में होते हैं, कभी कोल्हापुर में होते हैं और इस मुद्दे पर लगातार वो विमर्श कर रहे हैं। संविधान के जरिए वो सामाजिक न्याय का विमर्श खड़ा कर रहे हैं। अभी प्रशांत जी ने बहुत मार्के की बात कि सामाजिक न्याय और सामाजिक समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग, इन दोनों का फर्क लोगों को समझना चाहिए। सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर जिन मुखौटों को, जिन जोकरों को बिठाया जाता है उनके जरिए ही दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के, आदिवासियों के अधिकारों की हत्या कराई जाती है, उन्हीं के जरिए किया जाता है। तो इसलिए जरूरत सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स की है और सोशल जस्टिस वो जिसकी बात डॉक्टर अंबेडकर ने, नेहरू ने और जितने लोग उस समय संविधान सभा में थे, क्योंकि संविधान सभा में कोई भी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास होता था, अगर उस पर कोई विवाद रहता था तो कई दिनों तक उस पर बहस चलती थी और कंसेंसस बनाने की कोशिश होती थी और यही होता था अंततः। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था, भले ही मुखरता डॉक्टर अंबेडकर के जुबा पर थी कि आज हम राजनीतिक रूप से तो एक हो रहे, समान हो रहे,
लेकिन डेमोक्रेसी तभी सुरक्षित होगी जब सोशल जस्टिस होगा, सोशल डेमोक्रेसी जब बनेगी। तो सामाजिक न्याय एक जुमला नहीं है। जिन लोगों को यह लगता होगा कि नहीं साहब सामाजिक न्याय एक जुमला, जुमला नहीं है। और लगातार इस पॉलिटिक्स ने कमजोरों का सशक्तिकरण किया है, हालांकि गति बहुत धीमी है आप ये कह सकते हैं, लेकिन एक बड़ा परिवर्तन इस देश में हुआ इन 75 साल में। जो ये कहते हैं कि साहब कुछ हुआ ही नहीं, या तो उनकी आंखों पर पट्टी है या फिर बुद्धि पर पट्टी है, आप जो भी उसमें देख लो, या तो वो बुद्धिहीन है। असल में मुझे लगता है कि बेहद काहिया किस्म के लोग हैं, बहुत छात्र हैं वो लोग। वो चाहते हैं कि ये कह करके हम संविधान को बदल दें, ये दरअसल उनका पूरा खेल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये विमर्श का हिस्सा लगातार बना रहेगा और संविधान एक बड़ा मुद्दा रहेगा तब तक जब तक संविधान को खत्म करने की मंशा रखने वाले लोग सत्ता में हैं। लेकिन मैं पिछली बार भी ये कह चुका हूं कि अब संविधान चुनावी गणित नहीं होगा। ये संविधान की जो आगे की बात है, सोशल जस्टिस, और सोशल जस्टिस में मुद्दा आ रहा है भागीदारी का, प्रतिनिधित्व का। कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, जब तक वो उन कमजोर लोगों की नुमाइंदगी अपने यहां नहीं स्थापित करेगी तब तक वो बात बनेगी नहीं। मसलन मैं जिस बात को बराबर कहता रहा हूं कि उपवर्गीकरण का जो सवाल है, जिस पर कांग्रेस ने बहुत स्पष्ट अपना बयान नहीं रखा, हरियाणा में उसका एक नुकसान हुआ। उपवर्गीकरण आज की तारीख में, आज का समय का वो जरूरत बन गई, समय आ गया उसका, आप ये समझिए। तो जो जो और कमजोर दलित जातियां हैं, या जो कमजोर पिछड़ा तबका है, अति पिछड़ा जिसको कहते हैं, वो एसर्ट कर रही हैं और उनको उसकी जरूरत है। उसमें बहुत सारे किंतु परंतु हो सकते हैं। जैसे हरियाणा के बारे में जो मुझे जानकारी मिली, कुमारी शैलजा ने उपवर्गीकरण का विरोध किया, तो इसके अलावा जो वहां वाल्मीकि समाज था और दूसरे, चाहे उसमें जादूगर हो, जो अन्य जो जातियां थी, उन्होंने खुल करके कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बीजेपी को वोट किया। ये अब समय की जरूरत बन गई है और इसको कोई रोक भी नहीं सकता। ये मैं बहुत डंके की चोट पर कह रहा हूं जी। कोई नहीं रोक सकता अब इसको। ये हर विचार का और हर चीज का अब समय होता ही है और वो आ गया। आपको अगर सोशल जस्टिस की आप बात कर रहे हैं तो इन चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, चाहे वो बंजारा कम्युनिटी हो, चाहे वो धनगर हो, मेरा महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, चाहे आपका जोगी हो। ये वो जातियां जिन्हें आमतौर पर हम लोग नहीं जानते, जो कम प्रकाश में है, उनकी भी बात करनी होगी, उनकी नुमाइंदगी करनी होगी, उनको नुमाइंदगी देनी होगी पार्टी के भीतर भी और सरकारों के भीतर, तब सोशल जस्टिस पूरा होगा। तो इसलिए संविधान तो केंद्रीय मुद्दा है ही, लेकिन वोट वाला जो इशू है वो उसके आगे का है, अगला स्टेप है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, सम्मान का सवाल, आपके एजेंडा, और दूसरा प्रतिनिधित्व। ये तीन स्टेप हैं उसके, और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण है वो है प्रतिनिधित्व, जिसकी बात अभी नहीं हो रही है। राहुल गांधी सम्मान की बात बराबर कर रहे हैं, एजेंडे की बात बराबर कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व को लेकर के वो बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन क्या ये प्रतिनिधित्व उनके यहां है, इस पर भी विचार राहुल गांधी को करना चाहिए। जब वो ये कहने की हिम्मत रखते हैं कि हमारे यहां भी बहुत सारे संघी हैं, तो फिर उन्हें उस वैक्यूम के बारे में भी बताना चाहिए कि हमारे यहां भी कुछ वैक्यूम है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी का कद और बढ़ेगा
और वो असल में फिर आप सामाजिक न्याय के एक बड़े पहरेदार के रूप में राहुल गांधी को देखेंगे। मैं थोड़ा आगे की बात कर रहा हूं जो आने वाले समय में चुनौती बनने जा रही है। बिल्कुल, आने वाले समय में क्या चुनौतियां होंगी और कैसे, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि चुनाव दर चुनाव हारना और चुनाव दर चुनाव जीतना और कम से कम चुनाव में कुछ बैलेंस स्थापित करना, ये बहुत ज़रूरी है। ये विपक्ष को इसकी तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीत के साथ साथ आपकी मजबूती होती है, आपका जनाधार बढ़ता है और कई मसलों पे आप अपने हिसाब से आगे की रणनीतियां तैयार कर पाते हैं। इसलिए भी प्रशांत टंडन जी, यहाँ पर ये पहलू जिस पर एक तो उसूलों की राजनीति है, दूसरा है अब जबकि सामने दो राज्यों के चुनाव हैं और ऐसे में ये क्यों नहीं सोचना चाहिए कि इंडिया गठबंधन भी जीत के लिए ही उतरा है मैदान में। निश्चित तौर पर राजीव जी, राजनीतिक पार्टियां भजन मंडली नहीं है, वो सत्ता की राजनीति करती हैं, सत्ता में पहुंचकर ही उन सामाजिक बदलाव की बात होती है। सामाजिक बदलाव की बात सत्ता से दूर होकर नहीं हो सकती है। तो उसूलों की बात और उसूलों को नीतियों और कानून के जरिए लागू करने की बात तो सत्ता में पहुंचने के बाद ही होगी। तो निश्चित तौर पे अगर राहुल गांधी कोई विमर्श पैदा करते हैं और वो सैद्धांतिक बात कर रहे हैं, उसको उसका जो इलेक्टोरल कन्वर्जन है, मतदाता में उसकी जो कन्वर्जन है, ये पार्टी का काम है, उनको सोचना चाहिए, उनको करना चाहिए। अच्छी बात यह है कि झारखंड और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे उनकी पार्टी, शरद पवार और उनकी पार्टी, यहाँ पे हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी का स्थिति बहुत अग्रेसिव है। वो खुद भी अग्रेसिव है, उनके कार्यकर्ता भी अग्रेसिव हैं, तो और वो अग्रेशन अगर बरकरार रहेगा तो स्थितियाँ ठीक होंगी। जहाँ तक मुख्यमंत्री पद का सवाल की बात है, देखिए मुख्यमंत्री पद का घोषणा जम्मू कश्मीर में भी नहीं हुई थी, लेकिन ये संकेत था कि उमर अब्दुल्ला ही बनेंगे, हम लोगों ने भी यहाँ चर्चा की थी, हो गया फाइनली। ऐसे ही कुछ संकेत जो है महाराष्ट्र में भी है। उद्धव ठाकरे की दावेदारी का कोई विरोध नहीं कर रहा, यही संकेत है। वो ये नहीं कह रहा है कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो, यही संकेत है। यहाँ कोई अनिल विज नहीं है, तो इसलिए वो एक अंडरस्टूड है कि वहाँ जो इंडिया गठबंधन या महाविकास अघाड़ी है, उसकी कमान जो है वो उद्धव ठाकरे के ही पास है। याद कीजिए, इंडिया गठबंधन की रैली हो रही थी और शरद पवार केवल इंडिया गठबंधन के लिए देश के सबसे सीनियर नेता है, उन्होंने अपने चांस की जगह उद्धव ठाकरे को कहा कि आप इनको सुनिए जी। तो वो संकेत था वहां पे और संकेत अभी भी है। उद्धव ठाकरे की जो और जो उनका कार्यकाल है, जो उसकी क्रेडिबिलिटी है, जिस तरीके से उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद को चलाया और संभाला, वो एक क्रेडिबिलिटी है और वो वहाँ उसका सम्मान है। दूसरी बात देखिए, बीजेपी चुनाव लड़ने की मशीन बन गई है और उसके नैतिक और अनैतिक सबको जस्टिफाई करना कि ने चुनाव जीत लिया सब ठीक है, ये बड़ा खतरनाक विमर्श है। ये तो अगर सारी पॉलिटिकल पार्टियां ऐसा करने लग जाए अगर राजीव जी, तो पूरे देश की राजनीति जो है वो उसका लॉरेंस बिश्नोईकरण हो जाएगा, फिर तो यही होगा। फिर इलेक्शन कमीशन अगर बेईमानी करेगा तो इलेक्शन कमीशन के कोई ज्ञापन देने नहीं जाएगा, ना उनका कोई विरोध करेगा, फिर वो लोग और तरीके निकालेंगे। तो ये एक बड़ा खतरनाक रास्ता है कि जिस रास्ते बीजेपी जा रही है उस रास्ते पर बाकी पॉलिटिकल पार्टियां भी चली जाएं। अब जिसके पास सत्ता है वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, जिसके पास सत्ता नहीं है वो साम नाम दंड भेद के नाम पे क्या करेगा, वो जो करेगा वो बड़ा खतरनाक हो जाएगा, भारत के लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं होगा। तो इसलिए दूसरी बात की देखिए, इलेक्शन एक
इलेक्शन के जरिए भारत का समाज, भारत का संविधान, भारत की लोकतंत्र बढ़ता है धीमे धीमे, नए विमर्श पैदा होते हैं, नई सरकारें बनती हैं, नई नीतियां आती हैं, और उसमें अगर ये कहा जाए कि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, ठीक है आपको विमर्श पैदा किया, आप कैंडिडेट चुने, बूथ पे मैनेजमेंट अच्छा हो, इसकी मैं बहुत बात नहीं करता हूँ यहाँ पे कि वो सब आवश्यक है, वो एक साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, वो होना चाहिए, लेकिन सिर्फ वही हो और सिर्फ ये चीज़ें हो कि आप नैतिक अनैतिक सब भूल जाएं। अभी सुनील जी बात कर रहे थे कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद, आप देखिए, और दल बदल, हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी के ठेकेदार हैं झारखंड में, कौन है, कितने ईमानदार हैं, वॉशिंग मशीन में हैं अभी भी वो कांग्रेस पार्टी से आए हैं, वो ठेकेदार हैं झारखंड में, और झारखंड के ही लोग टी ट्राइब है और जिनका की एसटी स्टेट है उनकी सरकार को देना वो नहीं दे रहे, ये दोगलापन भी है। कुल मिला के ये है राजीव जी कि इस तरीके की का विमर्श कि बीजेपी जो है वो चुनाव जीत लेती है तो बीजेपी की नीतियाँ ठीक है, ये गलत हो जाएगा। दूसरी बात कि इलेक्शन कमीशन, देखिए इलेक्शन, अभी आपने डीजीपी को उदाहरण दिया, 50 उदाहरण है लोकसभा के इलेक्शन से लेकर अब तक के, हरियाणा के इलेक्शन, दर्जनों उदाहरण है किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल इलेक्शन कमीशन करते हैं विपक्ष के नेताओं को चिट्ठी के जवाब में, 50 उदाहरण, वो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव कर रहे हैं। और इलेक्शन में धांधली, जैसे सामाजिक न्याय को आप मुद्दा बना रहे हैं, बेरोजगारी को मुद्दा बना रहे हैं, महंगाई को मुद्दा बना रहे हैं, आरक्षण को मुद्दा बनाते हैं, एसटी स्टेटस को मुद्दा बनाते हैं, चुनाव में धांधली और चुनाव आयोग भी चुनाव का मुद्दा बनना चाहिए, जनता में इनके प्रति, बेईमानी के प्रति आक्रोश होना चाहिए, तब जनता मतदान भी ज्यादा करेगी और इन पर निगरानी भी रखेगी। ये जितना आक्रोश बेरोजगारी को लेकर है, जितना आक्रोश महंगाई को लेकर है, उतना ही आक्रोश अपने मतदान को बचाने के लिए भी होना चाहिए, और उसमें अगर चोरी का काम इलेक्शन कमीशन भी कर रहा है तो उसके खिलाफ भी जनमत तैयार होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को ये करना चाहिए। संवैधानिक संस्थाएं अगर संविधान को लागू नहीं कर पा रही हैं तो क्या किया जाएगा, उनको रखेंगे हम दो बोझ के अपने ड्राइंग रूम में, उनका काम है पहरेदारी करना। तो इलेक्शन की धांधली भी एक नया मुद्दा और बड़ा मुद्दा चुनाव में बनना चाहिए। लेकिन ये बन क्यों नहीं रहा, ये सवाल तो ये भी उठता है ना कि ये मुद्दा क्यों नहीं बन रहा है, इलेक्शन दर इलेक्शन इस बारे में बातें होती हैं, रिजल्ट आते हैं, उसके कुछ दिनों तक चर्चा होती है, उसके बाद फिर शांति, ये मुद्दा विपक्षी दलों को बनाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, वो दिखाई नहीं देते। बिल्कुल राजीव जी, और ज्ञापन इलेक्शन कमीशन को आप दे रहे हैं ये बिल्कुल वैसा ही है आज के दौर के इलेक्शन कमीशन को कि किसी थाने में आप थानेदार के खिलाफ FIR लेके जा रहे हैं जी। बिल्कुल, क्या करेगा आपका, तो ये मजाक बन चुका है, इसको जनता के बीच में ले जाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि जनता तय करे, जबकि खुल के, बिल्कुल सुनील शुक्ला जी, खुल के ये चर्चा हो रही है, बहुत एक वाजिब सवाल ये है कि खुल के चर्चा हो रही है चुनाव को लेकर, चुनाव में हुई धांधलियों को लेकर, वो सही है कि गलत है ये बताने का काम तो चुनाव आयोग को है, साबित कर दीजिए आप। लेकिन यहाँ बिल्कुल लॉरेंस विश्नोईकरण जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है प्रशांत टंडन जी, ये बहुत सही, आज आप सनातन के रक्षक बता रहे हैं उसको, एक गैंगस्टर को आप सनातन के रक्षक बता रहे हैं और महिमा मंडन कर रहे हैं कि देखो यही है, 50 साल बाद आप उसकी पूजा करवाओगे, आगे वही देखेंगे ना फिर, अगर सब कुछ इसी दिशा में चलता रहा तो इसलिए खैर वो थोड़ा अलग दिशा है, लेकिन बात वही है कि इस पर और ऐसी चीज़ों पर लगाम लगाने की कोशिश विपक्षी दलों को भी तो करनी चाहिए। अब बिल्कुल सही, ज्ञापन लेके आप चले गए, आप 20-20 उसके बाद आप कुछ ट्विटर पे सवाल ठोक देते हैं, कुछ चिट्ठियां लिख देते हैं, इससे काम नहीं चलता ना, जनता के बीच तो जाना होगा, वोट तो आपके हमारे चुराए जा रहे हैं ना,
आप तो वोट किसी और को देके आया, मालूम हो रहा है कोई और जीत गया। सुनील जी, जो सवाल आप पैदा कर रहे हैं यही बताता है कि जो शान जी ने कहा कि राजनीतिक दल भजन मंडलियां नहीं है। अगर आप सत्ता से ऐसे लोगों को बेदखल करना चाहते हैं तो आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर आप केवल बयान, हरियाणा में क्या हुआ, वहां पे कांग्रेस ने भजन मंडली की तरह से काम नहीं किया? आपके दो दो बड़े नेता वहां टहलते रहे, केवल बयान देते रहे, ये राजनीतिक दल की लड़ाई थी? और क्या दल सत्ता को छीनने की जो कोशिशें विभिन्न राज्यों में हुई हैं उसको राजनीतिक दलों ने सवाल नहीं पैदा किए? आप याद कीजिए कि छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी के खिलाफ बीजेपी ने किस तरह का माहौल बनाया था जब अजीत जोगी ने भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। आप अभी याद कर लीजिए कि कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार को गिराया गया तो सिद्धारमैया और शिव कुमार ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाया और किस तरह की लड़ाई लड़ी वहां, और उस अगले चुनाव में उसका परिणाम भी दिखाई पड़ा। आप राजनीतिक माहौल तो आपको बनाना ही पड़ेगा, राजनीतिक लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। निर्वाचन आयोग के भरोसे आप ये करके, आप एक बयान में सुना लगातार चल रहा है ये कि महाराष्ट्र में लोगों के नाम निर्वाचन मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं। अरे कैसे कोई काट सकता है? अगर अगर पार्टी का कार्यकर्ता बीएलओ के आपके के पास मौजूद है, हैसियत किसी की नहीं है काट के दिखा दे। लेकिन अगर आप ये सोचते रहेंगे कि सब नियमानुसार चल रहा है, सब संस्थाएं काम कर रही हैं, सब विधिवत तरीके चल रही हैं, आपकी जो जिम्मेदारी है, जो अन्य दलों के लोग हैं घर घर जाकर वोट बनवाते हैं, जब उसका जब एक अंतिम सूची के प्रकाशन के पहले जब वो सूची प्रकाशित होती है मतदान केंद्र पर, लोग जाकर उसको चेक करते हैं कि हमारे लोगों का नाम है कि नहीं है। अगर आप वहां मौजूद हैं कोई उसको काट नहीं सकता। यह राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बनती है। आप अगर आप देखते हैं कि आपका मतदाता निकला कि नहीं निकला, आप यह नहीं पहचान कर पाते हैं कि कौन सा उम्मीदवार जीतने लायक है। आपका विद्रोही उम्मीदवार 50,000 से ऊपर वोट पाता है, आपका अधिकृत उम्मीदवार 5,000 वोट पा के सिमट जाता है। एक एक जो एक राजनीतिक संगठन के रूप में जो एक सक्रियता, तत्परता, लोगों की पहचान, राजनीतिक मुद्दों के साथ लोगों के बीच मौजूद रहना, ये जो आवश्यकता है, इस पर तो बात होनी होनी चाहिए। अब जब मौजूद रहते हैं उसके लाभ भी आपको मिलते हैं। मेरा अपना मानना है कि किसी भी राज्य में किसी भी उस राजनीतिक दल को असफलता का सामना नहीं करना पड़ा जो अपने मुद्दों के साथ लोगों के बीच में मौजूद रही है। कुछ लोग मौजूद, राहुल गांधी मौजूद हैं, बाकी राहुल गांधी जो सवाल पैदा कर रहे हैं उन सवालों को लोगों तक ले जाने की जिम्मेदारी किसके पास है? शैलजा जी के पास है, सुरजेवाला जी के पास है, हुड्डा जी के पास है। वो अगर आप ये सोचेंगे कि मेरा उम्मीदवार जीत जाए या जो उम्मीदवार हो केवल मेरे उम्मीदवार, पार्टी अपनी सरकार आप नहीं बना सकते, नहीं जीत सकते यार। बीजेपी को जो कहा प्रशांत जी ने कि चुनाव जीतने की मशीन हो गई, तो क्यों हो गई है? किसी नैतिकता का सवाल नहीं है। चुनाव जीतने कौन से तौर तरीके हो सकते हैं, कोई चिंता नहीं है। चुनाव जीतना किसी हाल में, इसके लिए भले ही हमको 10 निर्दलीय उम्मीदवार प्राक्सी उम्मीदवार खड़े करने पड़े, प्राक्सी उम्मीदवार खड़े करना क्या नैतिकता का प्रश्न नहीं है? ये इसमें सवाल नहीं पैदा होने चाहिए। राजनीतिक दलों को सोचना नहीं चाहिए इसके ऊपर। लेकिन जब जब आपने अथाह पैसा इकट्ठा करने के लिए अनुमति दे दी राजनीतिक दलों को, तो भी सवाल खत्म हो गया। तो राजनीतिक दलों को तो निश्चित रूप से ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों को अपील करते हैं। ऐसा नहीं है कि जनता ये नहीं देखती है कि हमने किसी को जनमत दिया और जन समर्थन दिया और किसी और ने सरकार बना ली। यह विमर्श का विषय होता है। और मेरा अपना मानना है किसी ऐसे राज्य में यह ऐसा नहीं हुआ जहां विमर्श का विषय न बना हो। और नैतिकता का जहां तक सवाल है, नैतिकता की बात में एक अपील तो होती ही होती है, लेकिन नैतिकता की आड़ में आप निष्क्रिय नहीं हो सकते हैं कि हम तो यह काम नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते? कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं आप? क्या जो 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 तौर तरीके सत्तारूढ़ दल अपना सकता है वह विपक्षी दल अपना सकते हैं क्या? संभव नहीं उनके लिए। उनको तो केवल अपने संगठन के बूते, अपने मुद्दों के बूते, जनता के बीच में उठाए गए सवालों के सहारे आप लोगों के बीच में जा सकते हैं। वही एकमात्र तरीका आपके पास है। महाराष्ट्र और झारखंड में अच्छी बात केवल यह है जो इंडिया दल समूह के साथ है कि कम से कम महाराष्ट्र में दो दल, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे, और झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में, ये ऐसे दल हैं जो सांगठनिक स्तर पर मौजूद हैं और इनकी पकड़ भी संगठन के स्तर पर बहुत, राज्य के स्तर पर बहुत ठीक अच्छी खासी, जिसमें वह कम से कम जो राजनीतिक चुनौती देने की बात होती है भारतीय जनता पार्टी को, वह चुनौती इंडिया दल समूह के माध्यम से एक मजबूत चुनौती हो पाएगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। आना चाहता हूं गर साहब क्लोजिंग कमेंट के साथ आपके पास, और बहुत कुछ, बहुत सारे विमर्श हम लोग यहाँ कर रहे हैं, और चुनाव जीतने की मशीन से लेकर
चुनावी उसूलों तक की बातें हम लोग कर रहे हैं, साथ साथ दो राज्यों के चुनाव और चुनाव की बात होगी ही, और ऐसे में विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के बीच कश्मकश, गहमा गहमी का आलम। और दो चुनाव बीते, एक चुनाव की मैं बार बार हरियाणा के चुनाव पे आता हूँ, और उस चुनाव को ही एक कहीं ना कहीं बीजेपी इससे काफ़ी उत्साह में है या उत्साह दिखाने की कोशिश कर रही है। क्या यहाँ से हरियाणा के चुनाव का रिजल्ट जो है वो दोहराते हुए अगर बीजेपी को दिखाना है तो क्या हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और झारखंड ये दोनों उसके लिए इतने आसान होंगे जितना आसानी से इन लोगों ने हरियाणा के चुनाव को जीता है? क्या महाराष्ट्र के चुनाव की, जैसे आप बात कर भी रहे थे, थोड़ा सा एक लाइन और जोड़ना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार 6 पार्टियां हैं, हरियाणा में तो उतनी पार्टियां नहीं थी, झारखंड में 4-4 पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं वो इनकी पार्टी में हैं और उनमें से कईयों को इन्होंने टिकट दे दिए बीजेपी ने। गर साहब देखिए, मैं एक तो पहले ये सफाई दे दूं कि हालांकि मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूं, मेरे बारे में ये माना जा रहा है कि मैं कह रहा हूं कि अगर बीजेपी अनैतिक काम कर रही है तो विपक्ष को भी करना चाहिए। ये मेरे कहे का अर्थ प्रशांत टंडन जी और तमाम लोग निकाल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, प्रशांत जी क्या ऐसा तो, एक मिनट माफी चाहूंगा, एक मिनट रोकना चाहूंगा। नहीं नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी बिल्कुल, प्लीज प्लीज जी। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये बहुत के साथ, मुझे एक लाइन कहना है बस, ये घर साहब एक लाइन बस कहना है, माफी चाहूंगा। ये एक बहुत सही मुद्दा था इस चर्चा को और इस दिशा में लेके जाने का, और आपके आप जब आते हैं इस चर्चा में, आप आते हैं, हम लोग आपका इंतजार करते हैं ताकि कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे आए जो हम मोनोटोनी वे में चलते हैं उससे थोड़ा अलग हो, विमर्श की दिशा बदले, और उसके लिए बहुत जरूरी था जी। प्लीज, मैं जो कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को पिछले चुनाव में हरियाणा में 0.48% वोट शेयर मिला था, इस चुनाव में 1.79 मिला हरियाणा में। सबसे ज्यादा डैमेज किया आम आदमी पार्टी ने इंडिया ब्लॉक की रेपुटेशन को, प्रतिष्ठा को किया, और 1.79% वोट शेयर ले गए। केजरीवाल ने गुजरात में भी जो किया था 11-12% वोट ले गए थे और कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाया। आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में और झारखंड में भी उम्मीदवार खड़े कर रही है। ये नैतिकता का सवाल नहीं, ये स्ट्रेटेजी का सवाल है कि आप भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए लोगों के साथ इंडिया ब्लॉक में किस तरह से ट्रीट करते हैं, उनको अपमानित करते हैं कि नहीं करते हैं, उनको जलील करते हैं कि नहीं करते हैं। उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए, जो गलती आपने हरियाणा में की कि हुड्डा और शैलजा के बीच में आप झुलाते रहे, दोनों के हाथ पकड़ के ऊंचे करते रहे, करनाल की सभा में हुड्डा और शैलजा दोनों हैं और हिसार की सभा में अकेले हुड्डा बैठे हुए थे, शैलजा नहीं थी, और फिर अम्बाला की सभा में दोनों फिर हाजिर हो गए। इसमें नैतिकता नहीं है, कुछ स्ट्रेटेजी है। अगर आप देख रहे हैं हरियाणा में कि जो विद्रोही हैं वो किस तरह से कांग्रेस के विद्रोहियों ने खड़े होकर नुकसान पहुंचाया, और वो केवल एक आदमी की जिद के कारण टिकट में गड़बड़ियां हुई, ये कोई नैतिकता का सवाल नहीं है। ये आपको एक आयरन हैंड की जो बात होती है कि
आप उसको शक्तिशाली तरीके से चीजों को निपटाएं। तो छह पार्टियां यहां थी तो जननायक जनता पार्टी का क्या हुआ, आप देखिए खत्म हो गई। इंडियन नेशनल लोकदल का क्या हुआ, आप देखिए। लोकदल का क्या हुआ, आप देखिए। आम आदमी पार्टी का क्या हुआ, आप देखिए। बीएसपी का क्या हुआ, आप देखिए। और जब आप कहते हैं कि कश्मीर में बीजेपी ने इतने इंडिपेंडेंट खड़े किए थे, फर्जी लोग खड़े किए थे वेली में, तो लोगों ने हराया ना उनको, आपने एक्सपोज किया इसलिए हराया उनको। क्या हुआ रशीद साहब की पार्टी का क्या हुआ, आपने देखा कितना हल्ला मचाया था रशीद साहब की पार्टी का, कि लोग मिलने के लिए उनसे लाइनें लगा के बैठे हुए हैं और वो किंग मेकर की भूमिका में आ गए थे। ये मामला ये नहीं है कि वो अनैतिक हैं तो हम भी अनैतिक हो जाएं, ये मामला ये है कि आप अच्छे ही बने रहना चाहते हैं और बीच में कुछ लोगों को डाल के आप चीजों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। फैसला नहीं लेना ये बड़ा है। और अगर आप महाराष्ट्र में गेम बिल्कुल साफ है, शरद पवार उद्धव ठाकरे को बनने नहीं देना चाहते हैं, वो विरोध कर रहे हैं, क्या होगा महाराष्ट्र में? दो पॉसिबिलिटीज हैं, उद्धव ठाकरे बैठ जाएंगे जाके हिंदुत्व के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की गोद में, या उद्धव ठाकरे मिला लेंगे हाथ एकनाथ शिंदे के साथ और सरकार बना लेंगे। मुद्दा ये नहीं, बेसिक अजीत पवार अपनी बीबी को शरद पवार की बेटी के खिलाफ खड़ा कर देते हैं महाराष्ट्र में, तो आप अगर कल से शरद पवार के साथ अजीत पवार आके मिल जाते हैं, आप देखिए कि अजीत पवार को अगर वो शेयर नहीं मिला सीटों का तो वो क्या करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी अनैतिक काम कर रही है तो कांग्रेस को भी अनैतिक काम करना है, मैं ये कह रहा हूं अंग्रेजों के खिलाफ गांधी ने कोई अनैतिक काम नहीं किया, फिर भी अंग्रेजों को भगाया, स्ट्रेटेजी के जरिए भगाया। आज राहुल गांधी के सामने टाइम नहीं है कि वो जनता की अवेकनिंग कर सके, राहुल गांधी के सामने टाइम नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर सके। आपने देखा जिन लोगों पे भरोसा था मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, कांग्रेस के स्टालवर्ट्स हैं, उन्होंने क्या किया, डुबा दिया पूरी पार्टी को। हरियाणा में क्या किया जिन लोगों ने, स्टालवर्ट्स हैं, सुरजेवाला, हुड्डा और शैलजा कौन, स्टालवर्ट्स हैं वो पुराने। ये मामला स्ट्रेटेजी का है, नैतिकता का नहीं है। कि गर्ग साहब ये कह रहे हैं कि चाहे जितना टाइम लग जाए 20 साल लग जाए पर हमको तो नैतिक ही बने रहे, बने रही है नैतिक। आपकी नैतिकता की परिभाषा अलग है, मेरी अलग है। मैं अनैतिक होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल होने की बात कर रहा हूं कि आप बीजेपी अगर एक एक उम्मीदवार को बताइए, वहां उन्होंने कुरुक्षेत्र से उनके जो सांसद हैं बीजेपी ने जो कांग्रेस छोड़कर गए, उनकी माँ को टिकट नहीं दिया जबकि वो आई थी सावित्री जिंदल, और हाँ मैंने नाम नहीं लिया जानबूझ करके जी। और आपने अलाउ कर दिया कि भिवानी में पूरा किरण चौधरी परिवार सहित बीजेपी में भर्ती हो गई, तो क्या हुआ भिवानी के एरिया में कांग्रेस का सफाया हो गया। ये स्ट्रेटेजी का मामला है, ये इसमें नैतिकता का मामला नहीं है।
तो मैं जो मुद्दा उठा रहा हूं वो ये उठा रहा हूं कि अगर आप स्ट्रेटेजी के तौर पर चीजों को डील नहीं करेंगे और कहेंगे कि ठीक है जो चल रहा है वो हम तो यही करेंगे, तो ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है। आप उसके बाद एक तो ये होता है राजीव जी की मरीज की जान बचाई जाए, और एक ये होता है कि उसके बाद पोस्टमार्टम किया जाए। तो हम लोग क्या है, पोस्टमार्टम में ज्यादा एक्सपर्ट हो गए कि हार के कारणों पर प्रकाश डालते हैं हम लोग और जीत के कारणों को अनैतिक मानते हैं। ये है पूरा का पूरा मामला। तो अब उसमें दिक्कत आएगी। बहुत शानदार उदाहरण है आपका जी। क्या बहुत शानदार एग्जाम्पल है आपका। पोस्टमार्टम करते हैं हम। हाँ, हम लोग पोस्टमार्टम के एक्सपर्ट हैं कि बताते हैं कि मौत का कारण असली ये है जी, पर मरीज की जान बचाने में हमारी रुचि नहीं है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये बात कर रहा हूँ कि भैया डॉक्टर अगर गलती कर रहा है ऑपरेशन में तो उसको साले को बदल दो, ऑपरेशन थिएटर से निकालो जी। हम कोई पोस्टमार्टम करने थोड़ी बैठे हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पोस्टमार्टम करने हम नहीं बैठे हैं। और ये समझना होगा राजनीतिक दलों को, और बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ से कम इन दो राज्यों के लिए जो चुनाव होने हैं दोनों राज्यों में, इन दोनों राज्यों के लिए ये बात खासकर कांग्रेस पार्टी को और उनके सहयोगी दलों को ये सोचना होगा। आज अखिलेश यादव से पूछा गया कि कितनी सीटों की डिमांड आप करते हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने कह दिया कि 12 सीट। वैसे 12 सीटों की डिमांड की है, जितनी मिल जाए, लेकिन पूरे मीडिया में ये चलने लगा कि 12 सीट से कम नहीं चाहिए अखिलेश यादव को। तो ये मीडिया में जो सरकारी मीडिया है उसमें यही चलेगा। अब ये अखिलेश यादव को सोचना है कि 12 सीटें चाहिए या 12 बोलना है या नहीं बोलना है। ये वैसे ही है जैसे कमलनाथ ने कह दिया था कौन अखिलेश वखिलेश, या जैसे इधर दीपेंद्र हुड्डा ने कह दिया था कि अखिलेश यादव की हैसियत ही क्या है, क्यों हम उनको सीट देंगे। तो ये वही बात है, गलतियां आपस में ही क्यों करने लगते हैं जी। एग्जैक्टली वही बात कह रहा हूं मैं कि जो आप कह रहे हैं वही कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमको 6 सीटें मांगी थी हमको दे देते तो हम खड़े नहीं होते हरियाणा में जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप कैसे डील करते हैं चीजों को, ये पूरा स्ट्रेटेजी का मामला है। इसमें गांधी जी उपवास करके ही अंग्रेजों को भगा दिया उन्होंने देश से, मामला स्ट्रेटेजी का है। मामला स्ट्रेटेजी का, उसमें आप नैतिक रहते हुए स्ट्रेटेजी से जीत सकते हैं, उसमें आपको थोड़ा हार्श होना पड़ेगा और उसमें अपने वालों पर कार्रवाई करना पड़ेगी। तो वो अगर नहीं होती है, बोलना पड़ेगा, जैसे राहुल गांधी आज बोल दें खड़े होकर कि उद्धव ठाकरे को कांग्रेस का समर्थन है चीफ मिनिस्टरशिप के लिए, तो बोल ही नहीं रहे उनने। और उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने छोड़ दिया है कांग्रेस पर और शरद पवार पर, वो तय कर। आप जितनी देर करेंगे उतना नुकसान है, इसमें और कुछ नहीं है। बिल्कुल हाँ। और फिर जब आप डिबेट करें 23 तारीख को, 23 नवंबर को, तो फिर आप विचार, मैं तो रहूंगा नहीं, मैं तो रवाना हो रहा हूँ परसों ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो 4 महीने नहीं हूँ भारत में, तो आप देखिएगा क्या करते हैं जी। बिल्कुल, लेकिन 23 तारीख को कोशिश करूंगा कि आप जुड़ें, क्योंकि दिन भर का कार्यक्रम होगा। 23 नवंबर की बात कर रहे हैं दोस्तों हम, और
गर्ग साहब परसों से बाहर जा रहे हैं, उन्होंने अभी बता भी दिया, और लेकिन 23 तारीख को अभी से इनको कह रहा हूं कि उस दिन जरूर समय निकालिएगा, सुबह से रहेगा, और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के समय में 5 घंटे का अंतर है, वहां 5 घंटा आगे है, इसलिए थोड़ा जब हम ये कार्यक्रम करते हैं तो वहां 7 मतलब वहां रात के मतलब मिडनाइट 12 बजे का समय होता है, तो अमूमन लोग सोने चले जाते हैं, इसलिए भी ये संभव नहीं होगा। लेकिन बहुत गंभीर चर्चा हम लोग कर रहे थे आज, और इस चर्चा में अलग अलग बातें, और उसमें 2-4 मुद्दे बहुत ज़रूरी हैं, और इस चर्चा को खासकर इंडिया गठबंधन के लोगों को सुनना चाहिए, इसलिए भी क्योंकि बहुत कुछ यहाँ से उनको मिल सकता है अगर वो चाहें तो, अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करने में उनको मदद मिलेगी। चुनाव का वक्त है, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ श्रवण गर्ग साहब कह रहे थे कि गांधी जी बिना डंडा लाठी भांजे ही अगर अंग्रेजों को यहाँ से भगा सकते हैं, इस बात में कितना, उनकी बातों में कितना दम रहा होगा उस वक्त कि वो झुकने के लिए तैयार हो गए। इसी से मुझे ध्यान आता है कि कम से कम थोड़ा बहुत ये एक प्रेशर केंद्रीय चुनाव आयोग के ऊपर भी अगर बना पाए, चुनाव आयोग के ऊपर विपक्षी दल, तो बहुत सुविधा होगी इनको ही, और उसके लिए कुछ मत कीजिए, गांधीवादी तरीका अपनाइए, जाकर के वहीं धरना प्रदर्शन कर दीजिए, और एक दिन नहीं बैठे रहिए, सोनम बांगचुक जैसे बैठे हुए हैं यहाँ दिल्ली में, बैठे रहिए, आप में से भी कुछ लोग होंगे जो 15-20 दिन तक तो उपवास कर ही सकते हैं, तो ये भी ज़रूरत है, और उन तरीकों से आप और कांग्रेस पार्टी तो और ऐसे उनके जो सहयोगी हैं इन कामों के लिए तो जाने जाते ही हैं। जी गर्ग साहब, मैं कह रहा हूँ देश भर से लाख लोगों को बुलवा ले, इंडिया ब्लॉक के लोग, और पूरे यहाँ बिठा दे इलेक्शन कमीशन के सामने। बिल्कुल, अगर इंडिया ब्लॉक के जो लोग हैं वो अगर आ जाएं दिल्ली में कि बैठ जाएं वहां धरना देके लाख लोग, तो आप या रोटेशन से बैठने लगेंगे, लाख लोग पूरे टाइम बैठे रहेंगे जब तक कि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव नहीं होते हैं, हिल जाएगा पूरा देश, दुनिया हिल जाएगी, दुनिया में कहीं नहीं हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सवाल ये है कि आप किस तरीके से चीजों को, ये जो नकली आदमी है जिसने रामलीला मैदान में नाटक करके शीला दीक्षित की सरकार को गिरा दिया और मनमोहन सिंह को गिरा दिया, उसने क्या किया? उसने यही किया ना, एक पकड़ लाया महाराष्ट्र से एक संघी को और बीजेपी के साथ मिलके एक भली सरकार को गिरा दिया। उसने कौन सा, मतलब उसने वही किया काम जो स्ट्रेटेजिस्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। जी, तो स्ट्रेटेजी बनाने की ज़रूरत है, और अब तो स्ट्रेटेजिस्ट जो हैं वो हर पार्टियों के पास किराए पे हैं, ये भी दुखद है। या हो सकता है सुखद हो उनके लिए, लेकिन हर पार्टी के पास स्ट्रेटेजिस्ट हैं, और वो सैलरीड स्ट्रेटेजिस्ट हैं, और एक उन्हीं स्ट्रेटेजिस्ट में से अब बिहार में अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो बहुत कुछ आने वाले समय में हम देखेंगे और इस पर खूब चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया गर्ग साहब, और एक ब्रेक पे आप जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही करूंगा कि आपको जब भी समय मिलेगा इन 4 महीनों में, और खासकर 23 तारीख को, 23 नवंबर ठीक लगभग महीने भर बाद आपसे मुलाकात तो ज़रूर होगी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया शकील जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, सुनील शुक्ला जी और प्रोफेसर रविकांत जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इस लंबी चर्चा में, बहुत गंभीर चर्चा में आप लोग जुड़े रहे, और आप लोगों ने अपने विचारों से